हेलो एवरीबॉडी आई होप आप सब हेल्दी होंगे मैं हूं आपकी बायोलॉजी एजुकेटर शिवानी मैम वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स जो आपको प्रोवाइड कराता है किंडर गार्डन टू क्लास ट्वेल्थ हर क्लास हर सब्जेक्ट की क्वालिटी एजुकेशन वो भी बिल्कुल फ्री जी हाँ आपने सही सुना मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है अनपेड सब्सक्रिप्शन आपको किसी भी क्लास किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए कोई भी पेड सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है चाहे वो सी बोर्ड हो यूपी बोर्ड हो बिहार बोर्ड हो या एम पी बोर्ड हो आपको हर क्लास हर सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशंस मिलेंगे और साथ में मिलेंगे ढेर सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस इतना ही नहीं आप अवेल कर सकते हैं ई नोट्स एनी बुक जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ आज की वीडियो है हमारी क्लास इलेवेंथ बायोलॉजी यूनिट नंबर थ्री दैट इज सेल स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शन और इस यूनिट का हम सेकेंड चैप्टर कवर कर रहे हैं जो कि है बायो मॉलिक्यूल्स आपके एन में ये चैप्टर नंबर नाइन है और इस चैप्टर के अंदर हम यहाँ पर एक टॉपिक को लेकर आए हैं जो कि है पॉली और पॉलीसेक्राइट में भी हम पार्ट वन एंड पार्ट टू में लेकर जाएंगे क्योंकि यहाँ पर हमें बहुत सारे स्ट्रक्चर्स पढ़ने हैं राइट कि मोनोसेक्राइड क्या होती है डायसेक्राइड क्या होती है पॉलीसेक्राइट क्या होती है तो सबके स्ट्रक्चर्स पढ़ने हैं हमें इसलिए ये थोड़ी सी लेंदी वीडियो जाने वाली है तो हमने इसको पार्ट टू में क्या कर लिया है स्प्लिट कर लिया है राइट right? चलिए तो आर यू गे रेडी जल्दी बताइए पॉली सेक्राइड का मतलब क्या होता है पॉली का मतलब मैनी सेक्राइड का मतलब शुगर ठीक है तो एक ऐसी चेन जिसमें बहुत सारी मोनोसेकर मतलब सिंपल शुगर जुड़ी होती है उसे हम पॉलीसेक्राइड कहते हैं राइट right? चलिए तो सारे बच्चे अपनी अटेंडेंस लगा दीजिए और अटेंडेंस कैसे लगाना है ये तो आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों भाई बहनों और पड़ोसियों को जिससे वो भी आपके साथ अच्छे से पढ़ाई कर सके और अपने सब्जेक्ट को काफी स्ट्रांग बना सके राइट चले तो स्टार्ट करते हैं किसके बारे में पॉली के बारे में राइट चले तो द एसिड इनसोल्यूबल पैलेट ऑल्सो हैज पॉलीसेक्राइड, राइट एसिड इनसॉल्यूबल जो पैलेट था या पूल जो था उसमें क्या मिला था हमें प्रोटीन मिला था कार्बोहाइड्रेट मिला था और कार्बोहाइड्रेट क्या है पॉलीसेक्राइड, लिपिड मिला था राइट न्यूक्लिक एसिड मिला था तो ये सारे के सारे हमें कहाँ मिल रहे थे एसिड इनसॉल्यूबल पूल में तो हमें पॉलीसेक्राइट भी कहाँ मिला एसिड इन सोलूबल पूल में राइट right? फिर नेक्स्ट क्या 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 है इन्हें हम क्या बोलते है? इन हम क्या बोलते बोलते हैं हैं इन को कार्बोहाइड्रेट्स तो आपने कार्बोहाइड्रेट्राइट शब्द ना भी सुना हो बट कार्बोहाइड्रेट आपने जरूर सुना होगा राइट एज अनदर क्लास ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स भाई एक क्लास हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी जो की थी क्या आपकी बताइए प्रोटीन दूसरी मैक्रोमोलिक्यूल की दूसरी क्लास है कौन सी हमारी कार्बोहाइड्रेट या पॉली सेक्राइट राइट अब बात आती है पॉली क्या होता है जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में जब मैं प्रोटीन पढ़ा रही थी तो मैंने वहां पर आपको क्या पढ़ाया था माला और मोती मतलब मोनोमर और पॉलीमर पॉली का मतलब होता है मैनी राइट पॉली का मतलब क्या होता है मैनी राइट तो यहाँ पर भी पॉली का मतलब मैनी होगा ऐसा तो नहीं है एक शब्द का मतलब चेंज हो जाए कार्बोहाइड्रेट के लिए और प्रोटीन के लिए नहीं ना तो पॉली का मतलब होता है बेटा मैनी राइट right? सेक्राइड का मतलब होता है शुगर ठीक है का मतलब होता है शुगर ठीक है शुगर क्या होती है शुगर क्या होती है शुगर हम किसको बोलते हैं जो कि कैसी होती है स्वीट इन टेस्ट कैसी होती है स्वीट इन टेस्ट ठीक है उन्हें हम क्या बोलते हैं सेके राइट क्या बोलते हैं सेके राइट राइट तो इतना समझ में आया कि नहीं जल्दी बताइए तो मैम क्या शक्कर जो हम चाय पत्ती और शक्कर चाय बनाने में डालते हैं वही शुगर होती है इसके अलावा शुगर नहीं होती है तो बेटा जो आप रोटी खा रहे हो राइट क्या खा रहे हो रोटी खा रहे हो वो भी क्या है सेक्राइड है वो भी क्या है कार्बोहाइड्रेट वो भी क्या है, है? स्टार्च राइट तो वो भी सेक्राइड है इसलिए हल्की सी वो खाने में मीठी लगती है रोटी हल्की सी खाने में क्या लगती है मीठी लगती है क्योंकि वो भी क्या है सेक्राइड है जो आटा है जो गेहूं है जो ग्रेन है आपका उसमें क्या है कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है क्या प्रेजेंट है स्टार्च प्रेजेंट है और स्टार्च एक क्या है पॉली है इसका टेस्ट भी कैसा है स्वीट इन टेस्ट राइट वहीं पर हम क्या पीते हैं मिल्क पीते हैं और मिल्क में प्रेजेंट होती है लैक्टोज शुगर राइट तो लैक्टोज शुगर भी क्या है कार्बोहाइड्रेट है तो वो भी कैसा लिखता है स्वीट एंड टेस्ट कैसा टेस्ट होता है मीठा मीठा सा सा हल्का राइट वहीं पर हम बात करें किसकी और हम किसकी बात करते हैं फ्रूट की बात करते हैं किसकी बात करते हैं फ्रूट तो फ्रूट भी आपको खाने में मीठे लगते हैं क्यों लगते हैं आपने शक्कर घोल के डाल दी उनके अंदर है ना क्या किया जब पेड़ उग रहा था तो पेड़ में नीचे जड़ में बहुत सारी शक्कर घोल के डाल दी एक सोल्यूशन घोल के डाल दिया कि अब जो फ्रूट्स आएंगे उसमें शक्कर अंदर आएगी मिक्स होके ऐसा क्या नहीं क्योंकि वहां पर जो प्लांट है वो क्या कर रहा है फ्रूट में फ्रक्टोज़ शुगर को क्या कर रहा है रिजर्व कर रहा है इसलिए वहां पर आपको फ्रूट भी क्या लग रहा है स्वीट एंड टेस्ट क्योंकि उसमें क्या है कार्बोहाइड्रेट है तो जो स्वीट एंड टेस्ट होते हैं वो क्या होते हैं कार्बोहाइड्रेट राइट क्लियर है, right? है? चलिए और जो आप शक्कर घर पे खाते हो जो चम्मच भर भर के वो कौन सी शुगर होती है सुक्रोस होती है कौन सी होती है सुक्रोज राइट तो सिर्फ वही शुगर नहीं कहलाती वो कौन से टाइप की शुगर है सुक्रोज राइट तो भाई पॉलीसेक्राइड क्या है पॉलीसेक्राइड एक ऐसी चेन है जिसमें बहुत सारी शुगर की यूनिट्स मिली हुई है राइट तो यहाँ पर देखिए मैं पॉलीसेक्राइड का अगर आपको मतलब समझाऊ किसका मतलब समझाऊं पॉलीसेक्राइड का अगर मैं मतलब समझाऊं आपको तो देखिए यहां पर थोड़ा सा गौर फरमाइएगा क्या आप सभी को मोनोसेक्राइड के बारे में पता है तो बोलोगे बिल्कुल नहीं मैम जब हमें पॉलीसेक्राइड के बारे में नहीं पता तो मोनोसेक्राइड के बारे में कैसे पता होगा बट भाई इंग्लिश तो आती है हमें और मोनो का मतलब क्या होता है सिंगल वन मोनो का मतलब क्या होता है सिंगल या वन राइट right? और सेक्राइड का मतलब तो मैम अभी आपने ऊपर बताया क्या शुगर तो जिसमें एक ही शुगर पाई जाती है उस कार्बोहाइड्रेट को हम क्या बोलते हैं मोनोसेक्राइड क्या बोलते हैं मोनोसेक्राइड तो बहुत सारी मोनोसेक्राइड जुड़कर किसको बनाती है पॉलीसेक्राइड को राइट right? तो बहुत सारी मोनोसेक्राइड जो होती है हाँ ना मतलब मैं बोलूं एन इंटू मोनोसेक्राइट जो जुड़ेगी तो क्या बनाएगी बताइए एन इंटू मोनोसेक्राइट जोड़ के क्या बनाएगी पॉली क्या बनाएगी पॉली सेक्राइट ठीक है क्लियर है या नहीं बताइए इतना क्लियर है तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए अब मैं समझाना चाहूंगी कार्बोहाइड्रेट का मतलब किसका मतलब तो कार्बोहाइड्रेट कि का राइट तो पहले आप इसका स्क्रीन ले लो जल्दी से इसका स्क्रीन लीजिए क्या आपने स्क्रीन ले लिया तो देखिए कार्बोहाइड्रेट का अगर मैं मतलब समझाऊं तो कार्बोहाइड्रेट का मतलब क्या होता है इसको मैं ब्रेक करूंगी दो में किसमें ब्रेक करूंगी दो में एक कार्बो और दूसरा हाइड्रेट्स हाइड्रेट्स का मतलब होता है वॉटर ठीक है कार्बो का मतलब कार्बन तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं बताइए हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन को हम क्या बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट क्या बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट राइट यहां पर हाइड्रेट्स में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो है किसका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होता है वो कितना होता है टू टू वन में कितना होता है टू वन में राइट right? मेनली मोनोसेक्राइड होती है वो फॉलो करती है किसको सी एक्स एच टू ओ करती है राइट बट right? वहीं पर यह डायड और पॉलीसेक्राइड के लिए एप्लीकेबल नहीं होता चलिए तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो क्या है बताइए हाइड्रेट्स ऑफ बताइए कार्बन इसे हम क्या बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट्स क्लियर है चलिए हटा दूं हटा दूं जल्दी बताइए हटा दूं क्या अब मैं बात करती हूं यहां पर पॉलीसेक्राइड की तो पॉलीसेक्राइड जो होते हैं बेटा जो पॉलीसेक्राइड होते हैं वो दो प्रकार के हो सकते हैं कितने प्रकार के हो सकते हैं दो प्रकार के एक हो सकते हैं होमोपोलीसेक्राइड एक क्या होंगे पॉलीसेक्राइड होमोपोली सेक्राइड होमो और दूसरे जो होंगे वो क्या होंगे हेट्रोपॉलीसेक्राइड राइट होमोपोलीसेइड का मतलब क्या है यहां पर सेम टाइप के मोनोसेक्राइड जुड़कर क्या बनाती है सेम मोनोसेक्राइड यूनिट ज्वाइन टूगेदर बाय ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्म पॉलीसेक्राइड राइट तो होमोपोलीसेक्राइड क्या हो गई जल्दी बताइए वो सेक्राइड जिसमें जो मोनोसेक्राइड है उसमें सेम टाइप की मोनोसेक्राइड यूनिट ने जोड़कर क्या बना रही है पॉलीसेक्राइड को तो उसे हम क्या बोल रहे हैं होमोपोलीसेक्राइड बट यहां पर दूसरी अगर मैं बात करूं हेट्रोपोलीसेक्राइड की तो यहां पर क्या है डिफरेंट मोनोसेक्राइड यूनिट ज्वाइन टूगेदर बाय ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड अभी अलग अलग टाइप के होते हैं ठीक है वन 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 फोर वन टू ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड वो हम आगे पढ़ेंगे बस अभी इतना समझो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है ना टुगेदर बाय ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्म पॉलीसेक्राइड राइट right? चलिए तो जल्दी से स्क्रीन शॉट लीजिए इसका जल्दी से स्क्रीन शॉट लीजिए तो यहां पर क्या बोल रहे हैं सेकेंड पॉइंट है पॉलीसेक्राइड्स आर लॉन्ग चेन ऑफ शुगर ठीक है पॉलीसेक्राइड क्या है शुगर की एक लॉन्ग चेन है क्या है शुगर की एक लॉन्ग चेन है राइट दे आर थ्रेड्स भाई हा शुगर्स या पॉलीसेक्राइड जो होते क्या होते थ्रेड्स होते धागे जैसे स्ट्रक्चर्स होते लिटरली स्ट्रक्चर कॉटन थ्रेड क्या लिटरली कॉटन थ्रेड राइट कंटेनिंग डिफरेंट मोनोसेक्राइड एज अ बिल्डिंग ब्लॉक ठीक है तो उन्होंने क्या बोला इस पॉलीसेक्राइट में क्या है डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोसेक्राइड जुड़ी है और क्या बना रही है ये किसके जैसे काम कर रहा है बिल्डिंग ब्लॉक के जैसे मतलब ये क्या कर रही है एक स्ट्रक्चर को बना रही है राइट right? तो ये कौन सी पॉलीसेक्राइड है बताओ पॉलीसेक्राइड है या हेट्रो क्योंकि इन्होंने बोला डिफरेंट मोरोसेक्राइड यूनिट तो ये क्या हो जाएगी पॉलीसेक्राइड क्या हो जाएगी हेट्रो पॉलीसेक्राइड राइट फिर देखिए फॉर एग्जाम्पल सेलूलोज है ना तो बेटा सेल्यूलोज क्या है कार्बोहाइड्रेट है पॉलीसेक्राइड है इज अ पॉलीमेरिक पॉलीसेक्राइड ये क्या है पॉलीमैरिक पॉलीसेक्राइड है अब देखिए कंसिस्टिंग ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ मोनोसेक्राइड्स इट मीन्स ग्लूकोज तो जो सेल्यूलोज होता है वो किससे बना होता है बेटा ग्लूकोज से किससे बना होता है ग्लूकोज से मतलब बहुत सारी ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल है क्या करता है जुड़ते जाता है एंड ग्लूकोज जो है वो मिलते जाएगा तो क्या बनाएगा सेल्यूलोज को किसको बनाएगा सेल्यूलोज को ठीक है तो यहां पर सेल्यूलोज क्या हुआ होमोपोलीसेक्राइड या हेड्रोपोलीसेक्राइड तो सेल्यूलोज यहां पर क्या होगा होमो पॉलीसेक्राइड बेटा कैसे होगा बताइए कैसे होगा होमोपोलीसेक्राइड मैम क्या बात करते हो अभी तो आपने बोला कि यहां पर ओनली वन टाइप ऑफ मोनोसेक्राइड प्रेजेंट है मतलब क्या हो गया ये बताइए यहाँ पर सिर्फ ग्लूकोज प्रेजेंट है सेलुलोज सेलुलोज के स्ट्रक्चर में मतलब cellulose क्या है एक पॉलीसेक्राइड है और ये किससे बना हुआ है की एन यूनिट से मतलब ये कैसा पॉलीसेक्राइड हो गया होमो क्या हो गया होमो राइट चलिए तो जल्दी से इसका स्क्रीन ले लीजिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए क्या आपने केमिस्ट्री में फिशर प्रोजेक्शन या हावर्थ प्रोजेक्शन के बारे में सुना है बताइए दो बार दो टाइप के प्रोजेक्शन आपने पढ़े होंगे एक फिशर प्रोजेक्शन और दूसरा हावर्थ प्रोजेक्शन राइट तो फिशर प्रोजेक्शन क्या होता है मैम और हावर्थ प्रोजेक्शन क्या होता है मैम देखते हैं राइट देखिए फिशर प्रोजेक्शन की अगर मैं बात करूं किसकी बात करूं फिशर प्रोजेक्शन की तो फिशर प्रोजेक्शन को मैं कैसे दिखाती हूं फिशर प्रोजेक्शन को मैं किससे दिखाती हूं लाइन डायग्राम से किससे लाइन डायग्राम से ये क्या है लाइन ठीक है अब देखिए बेटा लाइन डायग्राम है ठीक है तो ये क्या है फिशर प्रोजेक्शन ये क्या है फिशर प्रोजेक्शन वहीं पर अगर मैं इस टाइप से बनाती हूं रिंग के फॉर्म में बनाती हूँ किसके फॉर्म में बनाती हूँ रिंग के फॉर्म में सपोज ऐसे बनाती हूँ तो ये कौन सा प्रोजेक्शन हो गया हावर्थ प्रोजेक्शन राइट तो ये कौन सा प्रोजेक्शन हो गया बताइए हावर्थ प्रोजेक्शन ठीक है इतना समझ में आया तो रिंग के फॉर्म में है मतलब हावर्थ प्रोजेक्शन ऐसे लाइन डायग्राम है मतलब फिशर प्रोजेक्शन इतना बनाइए पहले जल्दी से सब बनाइए फटाफट -फर्ट इतना क्लियर है चलिए अब हम बात करते हैं एक मॉलिकुलर फॉर्मूला है जो कि है सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स ये क्या है मॉलिकुलर फॉर्मूला राइट सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स अब मैं आपसे पूछूंगी है ना थोड़ा सा केमिस्ट्री लगाते हैं हम मैं आपसे पूछूंगी बताइए ये कीटोन का मोलिकुलर फॉर्मूला है या एल्डिहाइड का मॉलिकुलर फॉर्मूला है क्या है कीटोन का मोलिकुलर फॉर्मूला है या एल्डिहाइड का मॉलिकुलर फॉर्मूला है तो आप जरा नजर घुमा के देख रहे होंगे कि यार ये मैडम ने क्या पूछ लिया कीटोन का है या एल्डिहाइड का है ये कैसे बताएं हम बड़ा कंफ्यूजन है तो पिटाई लग जाएगी इसमें तो आपको कैसे करना है भाई सिंपल सी बात है बना के देखो कार्बन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स राइट छह कार्बन हो गए कितने हाइड्रोजन है मैम बारह एक, एक बार मैं ऐसे बना लेती हूँ इससे दो जोड़ देती हूँ कितने हो गए दो तीन चार पांच छ एक और मन हो रहा है मैम सात कितने हो गए अभी तक सात आठ नौ राइट फिर दस ग्यारह और बारह खत्म हो गए कार्बन खत्म हो गए ऑक्सीजन कितने छः तो देखिए एक कार्बन पे मैं दो ऑक्सीजन तो नहीं लगा सकती तो अब मैं क्या करूंगी एक एक लगाते जा रही हूँ बट यहाँ पर तो फुलफिल हो गई कार्बन की बैलेंसी तो अब क्या बात करें बताइए क्या करें रुक जाओ हम ऐसे तो लगा सकते हैं ना हम कैसे लगा सकते हैं बताइए हम ऐसे तो लगा सकते हैं ये तो हम कर सकते हैं इस हाइड्रोजन के बीच में कार्बन को घुसा देते हैं ये हो गया राइट अभी मैंने लिख रही हूँ किस साइड कौन लगेगा हाइड्रोजन किस साइड ऑक्सीजन ओ एच लगेगा किस साइड हाइड्रोजन लगेगा कुछ नहीं अभी मैं नॉर्मल कर रही हूँ राइट ओ एच ओ एच राइट तो हो गया अब कितने ऑक्सीजन हुए वन टू थ्री फोर फाइव मैम अभी तो एक और बचा है तो यहाँ लगा देते हैं और ऑक्सीजन की कितनी दो बैलेंसी होती है भाई अभी इसकी बैलेंसी फुलफिल हुई क्या कार्बन की नहीं तो यहाँ डबल बॉन्ड ये लगा देते हैं अब इस कार्बन की बैलेंसी भी फुलफिल हो गई चार इस ऑक्सीजन की भी दो बैलेंसी फुलफिल हो गई मतलब ये स्ट्रक्चर बन गया और यहाँ पर देखिए आप इसको इस फॉर्मूले को कोई दूसरे तरीके से लिख सकती हूँ क्या मैं बिल्कुल लिख सकती हूँ कैसे लिख सकती हूँ देखिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स कितने कार्बन हो गए छः अब कितने मेरे को छ ऑक्सीजन चाहिए अब एक बार मैंने यहां पर ओ को लगा दिया ठीक है डबल बॉन्ड को ओ के साथ यहां लगा दिया एक बार यहां लगा देती हूँ क्या दिक्कत है ठीक है तो मैंने यहाँ पर लगा दिया या आप इसको ऐसे उल्टा भी घुमा सकते हो है ना इसको आप उल्टा भी घुमा सकते हो ऐसा कुछ नहीं है नहीं तो आप बोलो ऐसे जैसे कि देखो मैं बता रही हूँ यहाँ पर जैसे आपने ये क्या कर दिया H ठीक है और ये कर दिया ऐसे भी कर सकते हो है ना ऐसा नहीं है ये है ना ऐसे भी कर सकते हो ठीक है तो यहां पर अब दूसरी बार मैंने क्या किया यहां पर ये कर दिया तीन एक हाइड्रोजन यहाँ लगा दिया कितने हो गए चार पाँच छ सात ठीक है और ये क्या हो गया आठ ठीक है बट मेरा मन है कि मैं यहाँ हाइड्रोजन नहीं लगा रही यहाँ सेकेंड कार्बन पे मैं डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा दे रही हूँ तो इस कार्बन की चार बैलेंसी फुल फुलफिल हो गई और ऑक्सीजन की भी बैलेंसी फुलफिल हो गई अब मैं लगाते जाऊँ एक ऑक्सीजन यहाँ पर दूसरा ऑक्सीजन तीन ऑक्सीजन हो गए चार ऑक्सीजन पाँच और छः कितने ऑक्सीजन हो गए छः हाइड्रोजन को गिनती हूँ कितने गिनना है मेरे को यहाँ पर बारह हाइड्रोजन तो एक दो यहाँ पर तो नहीं लगा सकते तीन चार पाँच छः छ के बाद यहां एक और लगा दू सात आठ नौ दस कितने हो गए दस क्या अभी और कुछ कर सकती हूं हां बिल्कुल यहाँ लगा सकती हूं ग्यारह क्या अभी कहीं और लगा सकती हूँ बिल्कुल लगा सकती हूँ यहां पर मैडम इस कार्बन की बैलेंसी नहीं हुई थी पूरी बारह तो देखिए ये तो कौन सी शुगर हो गई बेटा एल ये तो क्या हो गई ये तो मतलब शुगर वगैरह छोड़ो अभी ये क्या हो गया एल ये क्या हो गया यहां पर बताइए ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है एल क्या हो गया एल और ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है आपको कीटोन कौन सा दिख रहा है कीटोन तो यहाँ पर ये जो मॉलिकुलर फॉर्मूला दिख रहा है आपको ये किसका है एल का भी है और कीटोन का भी है तो यही बात मैं आपको बताना चाह रही थी कि यहाँ पर जो ये फॉर्मूला दिख रहा है C6H12O6 ये किसका है एल का भी है और कीटोन का भी है किसका है एल का भी है एंड कीटोन का भी है किसका है कीटोन राइट right? किसका है एल्डिहाइड का भी है और कीटोन का भी है क्लियर है अब देखिए बेटा ये जो फॉर्मूला है ये किसका फॉर्मूला है बताइए इसका ठीक है तो यहां पर ये जो फॉर्मूला है ये क्या है एल्डिहाइड का ठीक है और ये जो फॉर्मूला है ये किसका फॉर्मूला है बताइए कीटोन का किसका फॉर्मूला है कीटोन का राइट right? ये किसका है कीटोन का इतना क्लियर है अब यहां पर आप देखिए ये क्या हो गया आपका थर्ड कार्बन क्या हो गया थर्ड कार्बन आपको जस्ट इतना याद रखना है यहां पर अभी मैंने सिर्फ नॉर्मल स्ट्रक्चर बना के बताया था आपको कोई कार्बन बार्बन किस साइड होता है मतलब ओ, हाइड्रोक्सिल ग्रुप किस साइड होता है हाइड्रोजन किस साइड होता है कुछ नहीं बताया था बट बत, बेटा जो सिक्स कार्बन वाला एल होता है वो कौन से शुगर कहलाती है ग्लूकोज कौन सी कहलाती है ग्लूकोज ठीक है तो ये किसका स्ट्रक्चर हो गया ये किसका स्ट्रक्चर हो गया ये थर्ड कार्बन है तो ये किसका स्ट्रक्चर हो गया ग्लूकोज का किसका स्ट्रक्चर हो गया ग्लूकोज का राइट किसका स्ट्रक्चर हो गया ग्लूकोज का और ये किसका स्ट्रक्चर हो गया बताइए ये किसका स्ट्रक्चर हो गया ये स्ट्रक्चर हो गया फ्रक्टोज का किसका स्ट्रक्चर हो गया फ्रक्टोज का राइट right? इतना क्लियर हुआ या नहीं बताइए इतना क्लियर हुआ या नहीं अब देखिए बेटा यहां कितने आपको कितने कार्बन दिख रहे हैं बताइए छह कार्बन दिख रहे हैं कितने दिख रहे हैं कार्बन तो कार्बन वाली रिंग को हम क्या बोलते हैं बताइए पायरेनोज रिंग छह कार्बन वाली रिंग को हम क्या बोलते हैं पायरेनोज रिंग देखिए यहां पर क्या करना है आपको जो ऑक्सीजन है किसका ऑक्सीजन फंक्शनल ग्रुप का ऑक्सीजन को आपको किससे जोड़ना है बेटा फंक्शनल ग्रुप के ऑक्सीजन को आपको जोड़ना है फिफ्थ कार्बन से ये पहला कार्बन दूसरा थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स राइट तो इस फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को आपको किससे जोड़ना है यहां पर ठीक है तो ये जो स्ट्रक्चर बनेगा यह कितने रिंग का बनेगा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स तो ये सिक्स मेंबर ड्रिंग बन रही है कितने मेंबर्ड सिक्स मेंबर रिंग तो इसे हम बोलेंगे सिक्स मेंबर ड्रिंग ये क्या बनेगी सिक्स मेंबर्ड रिंग जिसे हम क्या नाम देते हैं इसे हम नाम देते हैं पायरिनोज़ क्या नाम देते हैं तो रिंग प्रेजेंट होती है ग्लूकोज में किसमें ग्लूकोज में, में राइट तो ये किसका स्ट्रक्चर है बेटा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है किसका स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है राइट अब सेम मैं यहां पर करती हूं सेम कहां करती हूं यहां देखिए ये क्या है ये क्या है आपका ऑक्सीजन फंक्शनल ग्रुप का ऑक्सीजन इसको जोड़ देती हूँ मैं किससे कार्बन से किस कार्बन से फिफ्थ कार्बन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स राइट सिक्स कार्बन से जोड़ दिया मैंने तो देखिए यहां पर रिंग कितने की बन रही वन टू थ्री बेटा इसको नहीं करना ऑक्सीजन रिंग के अंदर आ रहा है वन टू थ्री फोर फाइव तो यहां पर कितनी मिल रही है फाइव मेंबर्ड रिंग तो ये क्या मिल रही है आपको फाइव मेंबर्ड रिंग, ठीक है और फाइव मेंबर रिंग को हम क्या बोलते हैं फ्यूरेनोज क्या बोलते हैं फ्यूरेनोज को हम क्या बोलते हैं फ्यूरेनोज और एप से फ्यूरेनोज एप से फाइव एप से फ्रक्टोज़ ठीक है तो फाइव मेंबर रिंग किसमें होती है फ्रक्टोज़ में किसमें फ्रक्टोज़ में राइट right? तो बेटा ये जो है ये किसका है फ्रक्टोज का मॉलिकुलर फॉर्मूला है एंड फ्रक्टोज का फिशर प्रोजेक्शन है और यहाँ पर यह किसका फिशर प्रोजेक्शन है ग्लूकोज का फ्रक्टोज एंड ग्लूकोज दोनों का मॉलिकुलर फार्मूला सेम है बट यहाँ पर अगर हम रिंग की बात करें तो एल्डिहाइड जो है या ग्लूकोज है उसमें पायरेनोज रिंग होती है और फ्रक्टोज में फ्यूरेनोज रिंग होती है फ्रक्टोज में फाइव मेंबर रिंग होती है वहीं पर मैं बात करूँ किसकी ग्लूकोज में सिक्स मेंबर रिंग होती है ग्लूकोज कैसा होता है एल्डिहाइड शुगर होती है एंड फ्रक्टोज़ कैसी होती है शुगर होती है, तो ये पॉइंट भी आप यहीं पर इंक्लूड कर लीजिए कि ग्लूकोज क्या है एल्डिहाइड शुगर है क्या है एल्डिहाइड शुगर है राइट right? वहीं पर फ्रक्टोज जो है वो कौन सा शुगर है बेटा आपका ये है आपका कीटोज शुगर क्या है कीटोस शुगर क्या इतना क्लियर हुआ बताइए क्या इतना क्लियर हुआ या नहीं तो जल्दी से स्क्रीन ले लीजिए इसका फटाफट स्क्रीन लीजिए क्या आपने स्क्रीन ले लिया बताइए क्या आपने स्क्रीन ले लिया या नहीं ले लिया स्क्रीनशॉट अब ऐसे ही हम देखते हैं कि पांच मेंबर रिंग भी होती है कितनी होती है पांच मेंबर रिंग भी होती है क्या आपने राइबोस शुगर का नाम सुना है क्या आपने डी ऑक्सी शुगर का नाम सुना है बताइए पहले मैंने ये फिशर प्रोजेक्शन बनाया था किसका जल्दी बताइए ग्लूकोस एंड फ्रक्टोज का ठीक है अब आपका मन में आया होगा मैम आपने दो बनाए थे एक फिशर प्रोजेक्शन बनाया था अब इन दोनों का क्या बना के बताइए हावर्थ प्रोजेक्शन तो बनाकर बताइए तो बिल्कुल जैसे कि आपको यहां पर ये यह याद है ठीक है यहां पर ये यह चीज याद है अब मैं इसी को देखो स्ट्रक्चर के फॉर्म में बनाकर बताती हूँ यहीं पर आप इसके नीचे एड कर लेना प्लीज राइट तो मैं यहां पर आपको बनाकर बताती हूँ कैसे बनाना है देखिए कैसे बनाना है बिल्कुल गौर से देखिएगा है ना अगर आपने केमिस्ट्री में नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं आप यहाँ बायोलॉजी में पढ़ लो पहले क्या लेना है ऑक्सीजन ये ऑक्सीजन आ गया राइट right? ऑक्सीजन के बाद क्या है कार्बन ठीक है कार्बन मिल गया मुझे फिर कार्बन के बाद फिर कार्बन है ठीक है ये कार्बन मिल गया ठीक है फिर कार्बन के बाद फिर कार्बन है ओके okay, समझ में आ गया ये कार्बन हो गया फिर क्या है यहां पर एक और कार्बन है ये समझ में आ गया फिर एक और कार्बन है तो ये समझ में आ गया राइट तो यहाँ क्या आप कैलकुलेट कर पा रहे हो क्या है एक ऑक्सीजन है वन, एक ऑक्सीजन उसके बाद वन टू थ्री फोर फाइव यहाँ पर खत्म हो रहा है ना तो एक ऑक्सीजन कार्बन, ठीक है? और आपको देखना बेटा यहां पर इसको पहला कार्बन काउंट नहीं करना राइट हैंड साइड जाना आपको यह पहला कार्बन कहलाएगा ना कि यह पहला कार्बन जिसके दिमाग में ये कंफ्यूजन थी वो निकाल दो पूरे तरीके से कि मैम ऑक्सीजन के राइट हैंड साइड वाला पहला कार्बन कहलाता है या लेफ्ट हैंड साइड वाला पहला कार्बन कहलाता है तो क्या करना है आपको राइट right हैंड लिखते ऐसे ही हो ना ऐसे ही लिखते हो ना कि ऐसे जाते उल्टे नहीं ना तो आपको ऐसे ही क्या करना है इसको नंबरिंग देनी है राइट right? अब मैं इस तरीके से नहीं बना रही हूं बहुत अनऑर्गेनाइज लग रहा है मैं इसको किससे बना रही हूं लाइन डायग्राम से किससे बना रही हूं लाइन डायग्राम से बना देती हूं बिल्कुल अभी देखो ये क्या हो गया ऑक्सीजन ठीक है क्या हो गया ऑक्सीजन ये तो ये क्या बन गया बेटा आपका बताइए कौन सी शुगर बन गई एल्डिहाइड शुगर अब एल एल्डिहाइड शुगर का ये पहला कार्बन ये दूसरा कार्बन ये थर्ड कार्बन ये फोर्थ कार्बन एंड दिस वन इज फिफ्थ कार्बन एंड याद रखो इस फिफ्थ कार्बन से सिक्स्थ कार्बन जुड़ा हुआ है और इस कार्बन पे क्या है सी एच टू ओ एच तो ये फिफ्थ कार्बन हुआ राइट right? नंबरिंग कर दू वन टू थ्री फोर फाइव राइट और फिफ्थ कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है सी एच टू क्या जुड़ा है सी एच टू ओ एच क्या जुड़ा है सी एच टू ओ एच राइट तो ये कौन सा कार्बन हो गया ये हो गया हमारा सिक्स कार्बन क्या हो गया सिक्स कार्बन क्या अभी ये कंप्लीट स्ट्रक्चर है तो बिल्कुल नहीं है कंप्लीट स्ट्रक्चर है बिल्कुल नहीं है तो देखिए यहाँ जरा हम देख लेते हैं क्या क्या परेशानी है यहाँ पर अभी मैडम हमें कार्बन की बैलेंसी को भी तो फुलफिल करना है किसको बैल किसकी बैलेंसी को फुलफिल करना है कार्बन की ठीक है अब देखियो ये तो पहला कार्बन हो गया है ना ये हो गया पहला कार्बन तो इसको हमें किससे जोड़ना है हाइड्रोजन से जोड़ दिया उसके बाद सेकंड कार्बन ठीक है सेकंड कार्बन पे क्या है ओ एच एच ठीक है फिर थर्ड कार्बन एच ओ एच राइट right? फोर्थ कार्बन ओ एच एच एंड फिफ्थ कार्बन समझ में आ रहा है यहां ये क्या हो गया फिफ्थ कार्बन ओ एच एंड सिक्स कार्बन आपको क्या मिल गया सी एच टू ओ एच ठीक है तो ये स्ट्रक्चर जो दिख रहा है आपको ये किसका स्ट्रक्चर है आपके ग्लूकोज का हावर्थ प्रोजेक्शन है क्या है हावर्थ प्रोजेक्शन राइट वहीं पर अगर मैं फ्रक्टोज का बनाना चाहूँ किसका बनाना चाहूं फ्रक्टोज का तो बिल्कुल बना देंगे उसमें क्या दिक्कत है इसको भी बना देते हैं पहले क्या लिया हमने ऑक्सीजन ये हमारा ऑक्सीजन हो गया ठीक है ऑक्सीजन के बाद कार्बन ये कार्बन आ गया फिर दूसरा कार्बन ठीक है फिर तीसरा कार्बन ये है, है, ठीक फिर फोर्थ कार्बन, इस टाइप का राइट और याद करिए फर्स्ट कार्बन से किससे फर्स्ट कार्बन से यहां पर ये पहला कार्बन है मतलब यहाँ पर मानो ये वाला है इससे क्या जुड़ा है CH2OH इससे क्या जुड़ा हुआ है CH2OH तो यहाँ पर मैंने जोड़ दिया CH2OH एच right? राइट और फिफ्थ कार्बन से भी क्या जुड़ा हुआ है CH2OH मतलब यहाँ पर भी मैंने क्या जोड़ दिया CH2OH क्या जोड़ दिया CH2OH एच right? राइट अब आप बैलेंस कर दो अब क्या कर दो बैलेंस कर दो बैलेंसी बैलेंस को क्या दिक्कत है यहां पर हम बैलेंस कर देते हैं सबकी बैलेंस ही फुलफिल कर दो ठीक है एच ओ एच ठीक है हो गया कि नहीं ये क्या हो गया आपका एच ओ एच ठीक है एक दो तीन चार राइट तो ये हमारी बैलेंसी फुलफिल हो गई तो ये कौन सी शुगर है कीटो शुगर और ये कौन सी शुगर है एल शुगर राइट तो जल्दी से इसका स्क्रीन ले लीजिए जल्दी से इसका क्या लीजिए स्क्रीन शौर्ट. ओके क्या आपने स्क्रीन ले लिया ओके अब हम चलते हैं पेंटो शुगर पर किस पर पेंटो शुगर पर पेंटो शुगर किसको बोलते हैं फाइव मेंबर्ड को किसको बोलते हैं फाइव मेंबर्ड को ठीक है तो पेंटो शुगर कौन सी हो जाएगी आपकी राइबो शुगर और डी राइबो शुगर क्या हो जाएगी राइबो शुगर एंड डी राइबो शुगर राइट तो हम पेंटो शुगर बनाते हैं कितने कार्बन होंगे इसमें पांच कार्बन होंगे तो यहां पर हम फाइव कार्बन वाली क्या बना रहे हैं शुगर बना रहे हैं जिसको हम क्या बोलेंगे पेंटो शुगर क्या बोलेंगे पेंटो शुगर ओके okay. अब देखिए यहां पर आप ये दो टाइप की हो सकती है पेंटोस शुगर जो है फाइव कार्बन वाली शुगर को हम क्या बोलते हैं पेंटोस शुगर क्या बोलते हैं पेंटोज शुगर ठीक है अब देखिए यहां पर ये पेंटोस शुगर जो है कैसे बनाऊ इसको मैं वन टू थ्री फोर फाइव कितने कार्बन दिख रहे पांच कार्बन दिख रहे है. कितने कार्बन दिख रहे पांच. और यहाँ पर मैंने क्या लगा दिया जल्दी बताइए क्या लगा दिया ऑक्सीजन ठीक है यहाँ पर ओ OH लगा दिया ओ OH ओ OH, और ओ एच राइट बाकी को बैलेंस कर दूं किससे हाइड्रोजन से तो ये बैलेंस हो गया हाइड्रोजन तो बताइए फॉर्मूला क्या बना C5 हाइड्रोजन कितना है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन ठीक है तो क्या है सी फाइव एच टेन और ओ कितने हैं वन टू थ्री फाइव थ्री और टू फाइव तो ये फॉर्मूला क्या हुआ बताइए मॉलिकुलर फॉर्मूला क्या हुआ सी फाइव सी फाइव एच टेन ओ फाइव राइट right? और इसको हम क्या बोलते हैं पेंटो शुगर क्या बोलेंगे पेंटो शुगर मैम ये तो एल दिख रहा है क्या इसका भी कीटोन बनेगा बिल्कुल बनेगा इसका भी क्या बनेगा कीटोन बनेगा कैसे बनेगा देखो इसका भी क्या बनेगा कीटोन बनेगा कैसे बनेगा देखो एक कार्बन दो तीन चार और पांच पांच हो गए अब मेरा मन कर रहा है मैं सेकेंड कार्बन पे क्या लगाऊ ऑक्सीजन लगाऊं क्या लगाऊ सेकेंड कार्बन पे ऑक्सीजन लगाऊं, लगा दिया फिर एक ऑक्सीजन यहां लगा दिया ठीक है एक ऑक्सीजन यहां लगा दिया एक यहां लगा दिया और एक यहां लगा दिया ठीक है कितने को ऑक्सीजन हो गए पांच हो गए हाइड्रोजन गिर लेते हैं दस एक दो और यहां तीन राइट right? चार नहीं बिल्कुल नहीं चार पांच छ कितना हो गया और यहां पर ये सात वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन कितने हो गए दस हाइड्रोजन पांच कार्बन और पांच ऑक्सीजन ये क्या हो गया कीटोन राइट right? ये क्या हो गया कीटोन और आपको करना क्या है? जल्दी बताइए आपको करना क्या है जो फंक्शनल ग्रुप है क्या है फंक्शनल ग्रुप फंक्शनल ग्रुप के ऑक्सीजन को लास्ट सेकेंड कार्बन से मिलाना है और लास्ट सेकेंड कार्बन कौन सा है ये वाला ये ना तो यहां इसको मिलाना है वहीं पर फंक्शनल ग्रुप को लास्ट सेकेंड कार्बन से मिलाना है तो ये मिला लिया राइट right? कितना हो गया वन टू थ्री फोर फाइव वन टू थ्री फोर राइट क्लियर है बताइए क्लियर है या नहीं इतना क्लियर हुआ या नहीं बताइए तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए अब मैं ये स्ट्रक्चर बनाना चाहूंगी क्या करूंगी ये स्ट्रक्चर बनाना चाहूंगी तो देखिए यहां पर आप क्या है मैम ऑक्सीजन है क्या है ऑक्सीजन है ठीक है ऑक्सीजन के बाद क्या है कार्बन है ठीक है फिर क्या है एक और कार्बन है ठीक है टोटल कितने कार्बन है कार्बन वन टू थ्री फोर इस रिंग में कितने फोर तो एक ये हो गया दूसरा ये हो गया थर्ड फोर्थ कितने कार्बन हो गए चार ठीक है ऑक्सीजन कितना हो गया एक कितना ऑक्सीजन हो गया एक राइट right? तो यहां पर जो आपको रिंग मिल रही है ये कितने मेंबर रिंग मिल रही है बताइए ये कितने मेंबर रिंग मिल रही है फाइव मेंबर रिंग मिल रही है कितने मेंबर रिंग मिल रही है फाइव मेंबरड रिंग मिल रही है राइट right? आप देखिए बेटा इस फाइव मेंबर रिंग को हम क्या बोलते हैं बताइए क्या बोलते हैं इसको अब देखिए इस कार्बन पे क्या कोई दूसरा कार्बन जुड़ा है नहीं ये क्या है आपका पहला कार्बन है ये दूसरा है ये थर्ड है ये फोर्थ है अब देखिए पहला कार्बन ये सेकंड ये थर्ड ये फोर्थ ये एंड फिफ्थ ये तो आप देखिए फिफ्थ फोर्थ कार्बन से एक और कार्बन जुड़ा है जो कि है कार्बन नंबर फिफ्थ तो यहां पर इस फोर्थ कार्बन से कौन जुड़ा है कार्बन नंबर फिफ्थ और उस पर कौन से आपके एलिमेंट्स लगे हैं दो हाइड्रोजन और एक हाइड्रोक्साइड राइट मतलब हाइड्रोक्सिल ग्रुप तो यहां पर हो गया सी एच टू ओ एच क्या हो गया सी एच टू ओ एच राइट तो ये क्या हो गया आपका कार्बन नंबर फाइव ये क्या हो गया कार्बन नंबर फाइव राइट इतना क्लियर हुआ या नहीं जल्दी बताइए इतना क्लियर हुआ या नहीं ओके तो यहां पर देखिए आपको क्या मिल गया ओ एच एच ओ एच एच ठीक है और एच ठीक है यहां मिला कि नहीं जल्दी बताइए यहां क्या मिल गया ओ एच एच ठीक है तो ये जो आपको रिंग मिल रही है ये क्या है फाइव मेंबर रिंग है क्या है फाइव मेंबर रिंग है ये क्या है फाइव मेंबर्ड रिंग कैसी रिंग है हाइड्रोजिनस है या होमोजेनस है मैम ये कैसे देख बताएंगे देखिए ये रिंग जो है पांच किसकी है मेंबर की है जिसमें से चार तो कार्बन है और एक ऑक्सीजन है क्या है एक ऑक्सीजन है, मतलब, है कैसी कहलाएगी हेट्रोजिनस कैसी कहलाएगी हेट्रोजिनस क्या कहलाएगी हेट्रोजिनस और इस फाइव मेंबर रिंग को हम क्या कहते हैं राइबोस इस फाइव मेंबर ड्रिंक को हमने क्या नाम दिया राइबोस फाइव को हमने क्या नाम दिया राइबोस तो ये कौन सी शुगर हो गई बताइए ये हो गई हमारी राइबोस शुगर क्या हो गई राइबोस शुगर तो राइबोस शुगर है वो कैसी है एल्डिहाइड शुगर है या कीटो शुगर है जल्दी बताइए ये कैसी है एल्डिहाइड शुगर है क्या है एल्डिहाइड राइट right? जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट स्क्रीन शॉट लीजिए क्या आपने स्क्रीन शॉट ले लिया अब देखिए बेटा यहीं पर मैं क्या कर दू ये स्ट्रक्चर हो गया राइट ये स्ट्रक्चर हो गया यहां पर देखिए यहीं पर ऐसा एक और स्ट्रक्चर बनाती हूं मैं सेम यहां पर देखिए क्या डिफरेंस दिख रहा है आपको मुझे ये बताइए बस क्या डिफरेंस दिखा आपको एक ही डिफरेंस दिखा होगा अगर मैं कार्बन की नंबरिंग करूं तो ये कार्बन नंबर वन है ये टू है ये थ्री है ये फोर है एंड दिस वन इज फाइव राइट तो यहां पर मैम देखिए कार्बन नंबर सेकंड पर यहां पर कौन सा ग्रुप था हाइड्रोजन और यहां पर कौन सा है हाइड्रोक्सिल ठीक है मतलब मैंने राइबो शुगर में से ऑक्सीजन को उड़ा दिया क्या करा यहां पर बताइए मैंने क्या किया मैम यहां पर मैंने राइबो शुगर में से किसको उड़ा दिया ऑक्सीजन को उड़ा दिया और कौन सा ऑक्सीजन उड़ाना है सेकेंड कार्बन का तो अब जो शुगर बनेगी बेटा वो कौन सी बनेगी जल्दी बताइए जो शुगर बनेगी उसमें से मैंने राइबो शुगर में क्या किया है बताओ राइबो शुगर में मैंने क्या किया आप ही बताओ आप लोग ही बताओ मुझे क्या किया मैंने तो आप बोलोगे मैम आपने राइबो शुगर में से सेकेंड कार्बन से आपने ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया तो इससे अगर मैं साइंटिफिक शब्द में बोलूंगी तो डी का मतलब होता है रिमूवल डी का मतलब क्या होता है रिमूवल ऑक्सी का मतलब होता है ऑक्सीजन ऑक्सी का मतलब क्या होता है ऑक्सीजन और राइबोज में से उड़ाया तो राइबोज ठीक है तो ये शुगर कौन सी कहलाएगी डी ऑक्सी शुगर क्या कहलाएगी डी बाकी सेम का सेम यहां पर रहेगा ये सारे के सारे पॉइंट जो है वो यहां पर रहेंगे कि फाइव मेंबर रिंग है हेट्रोजेनस रिंग है राइट देखिए बेटा हम बात करते हैं डीएनए और आरएनए की तो डीएनए में कौन सी शुगर होती डी शुगर वहीं पर आरएनए में कौन सी शुगर होती है राइबोस शुगर कौन सी शुगर होती है राइबोस शुगर तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया बताइए कि आपने स्क्रीन ले लिया तो देखिए अब मैं एक चीज समझाने जा रही हूं आपको एनोमेरिक और एपीमेरिक कार्बन राइट तो ये क्या है हमारा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर राइट किसका स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का ऐसा ही होता है है ना ये क्या हो गया ओ एच ये एच OH, एच एच OH, OH और एच ठीक है तो ये हो गया हमारा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर राइट देखिए ये कौन सा है कार्बन नंबर वन राइट right? ये कार्बन नंबर टू ये थ्री ये फोर ये फाइव और ये है सिक्स क्लियर है अब देखिए बेटा पहले कार्बन को फर्स्ट कार्बन को हम कहते हैं एनोमेरिक कार्बन क्या कहते हैं एनोमेरिक कार्बन राइट और वहीं पर फोर्थ कार्बन को कहते हैं हम एपीमेरिक कार्बन क्या कहते हैं एपी मैरिक एपी मैरिक कार्बन राइट right? ये क्या है एपीमेरिक कार्बन है क्या है एपीमेरिक कार्बन राइट अब देखिए बेटा अगर इसी स्ट्रक्चर को मैं दो तरीके से बनाऊं इस स्ट्रक्चर को अगर मैं दो तरीके से बनाऊं देखिए कैसे दो तरीके से यहां पर देखिए एक तरीके से कैसे बना रही हूं थोड़ा सा बड़ा बना लेते ठीक है ओ एच राइट ऐसा ही है अब देखिए गौर फरमाइएगा भाई देखो यहां पर बाकी चीज तो हमने नॉर्मल बनाई है राइट बाकी चीज तो हमने नॉर्मल बनाई है पहले कार्बन पे थोड़ा सा आपका फोकस होना चाहिए किस पे? फर्स्ट कार्बन पे ये पहला कार्बन है ये दूसरा थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स राइट फर्स्ट कार्बन पर अगर मैं बोलू फर्स्ट कार्बन पर ओ OH एच ग्रुप नीचे और एच ग्रुप ऊपर होता है ओ एच ग्रुप नीचे और एच ग्रुप ऊपर होता है तो इस ग्लूकोज को ये सेम स्ट्रक्चर है तो इस ग्लूकोज को हम कहते हैं अल्फ़ा ग्लूकोज क्या कहते हैं अल्फ़ा ग्लूकोज तो ये क्या हो गया अल्फ़ा ग्लूकोज राइट क्या हो गया अल्फ़ा ग्लूकोज और अल्फ़ा ग्लूकोज जो होता है वो किस में होता है अल्फ़ा ग्लूकोज प्रेजेंट होता है ग्लाइकोजन में बेटा ग्लाइकोजन जो है वो क्या है पॉलीसेक्राइड स्टार्च भी क्या होता है पॉलीसेक्राइट ठीक है दोनों क्या है पॉलीसेक्राइट किसके पॉलीमर है अल्फा ग्लूकोज के किसके पॉलीमर है अल्फा ग्लूकोज के तो यहाँ पर ग्लाइकोजन एंड स्टार्च जो है वो क्या है पॉलीमर ऑफ अल्फा ग्लूकोज मतलब इस स्ट्रक्चर में बहुत सारे क्या प्रेजेंट होंगे अल्फ़ा ग्लूकोज इस स्ट्रक्चर में भी बहुत सारे क्या प्रेजेंट होंगे अल्फ़ा ग्लूकोज राइट वहीं पर मैं बात करूं किसकी बताइए वहीं पर मैं बात करूं दूसरा स्ट्रक्चर बनाते हैं ठीक है ये स्ट्रक्चर पहले कहाँ था नीचे है ना पहले कहाँ था नीचे अब कहाँ है ऊपर अब कहाँ पर प्रेजेंट है ऊपर साइड राइट यहां पर प्रेजेंट है तो ये स्ट्रक्चर है ना बेटा ये क्या हो गया बताइए ये स्ट्रक्चर मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है मोलिकुलर फॉर्मूला दोनों का सेम है बस पहले कार्बन पर जिसको हम एनोमेरिक कार्बन कहते हैं क्या बोलते हैं बताइए एनोमेरिक कार्बन एनोमेरिक कार्बन पे क्या हुआ है जल्दी बताइए एनोमेरिक कार्बन पे क्या हुआ है एनोमेरिक कार्बन पे क्या हुआ है ओएच ग्रुप जो है वो कहाँ पर है ऊपर की तरफ और यहाँ पर ओएच ग्रुप नीचे की तरफ है ठीक है अगर नीचे की तरफ है तो वो अल्फा ग्लूकोस कहलाएगा ऊपर की तरफ है तो ये क्या कहलाएगा जल्दी बताइए ये कहलाएगा बीटा ग्लूकोस क्या कहलाएगा बीटा ग्लूकोज राइट right? और बीटा ग्लूकोज जो है वो किसमें प्रेजेंट होता है सेल्यूलोज में किसमें प्रेजेंट होता है पॉलीमर है ठीक है. है किसका पॉलीमर है पॉलीमर ऑफ बीटा ग्लूकोज क्या है पॉलीमर ऑफ बीटा ग्लूकोज राइट तो उसको याद रखने का तरीका पता है क्या है गैस क्या है गैस जी से क्या होता है ग्लाइकोजन जी से क्या है ग्लाइकोजन है ना जी से क्या है ग्लाइकोजन वहीं पर ए से क्या है अल्फा ग्लूकोज और एच से क्या है स्टार्च राइट right? ये समझ में आया अब देखिए बेटा अगर मैं इसी को इस तरीके से बनाती हूं राइट देखिए यहां पर अगर मैं बनाती हूं देखिए यही स्ट्रक्चर बना रही हूं फिर से वन टू थ्री फोर फाइव राइट सेम है एज इट इज़ है किसके जैसे बताइए एज इट इज़ है किसके जैसे यहाँ पर बिल्कुल ग्लूकोज के जैसे स्ट्रक्चर है राइट right? अब देखिए यहाँ पर मैं बोल रही हूँ कि ये कौन सा कार्बन है फोर्थ कार्बन है राइट फोर्थ कार्बन पे ओ OH एच नीचे और एच ऊपर होता है तो ये क्या कहलाता है ग्लूकोज राइट right? क्या कहलाता है ग्लूकोज राइट right? तो अगर मैं चाहूं तो ऐसे लिख सकती हूं इफ ओ एच ग्रुप एट फोर्थ कार्बन प्रेजेंट एट लोअर साइड तो ये क्या कहलाएगा ग्लूकोज ये क्या कहलाएगा ग्लूकोज राइट right, तो ये क्या कहलाएगा ग्लूकोज वहीं पर अगर मैं बात करूं, या मैं इसको क्या बोल सकती हूँ एपी कार्बन भी बोल सकती हूँ क्या बोल सकती हूँ बताइए एपी कार्बन भी बोल सकती हूँ क्योंकि ये वन है टू है थ्री है फोर है तो हम किस किस पे नजर लगाए बैठे हैं बताइए किस पे नजर लगाए बैठे हैं हम नजर लगाए बैठे हैं कार्बन नंबर फोर पर किस पर कार्बन नंबर फोर पर और हमने देखा कि कार्बन नंबर फोर पर यहाँ ओ OH जो है वो नीचे साइड है तो इसे हम क्या बोलेंगे ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है किसका स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का राइट right? वहीं पर अब देखिए बेटा ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको ये स्ट्रक्चर जो बना रही हूँ मैं ये देखना थोड़ा सा देखिए यहां पर यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए अगर चाहे तो आप अलग कर से कर सकते हैं जैसे कलर से यहां पर मैंने इसको ओएच OH को इस कलर से कर दिया तो यहां पर देखिए फोर्थ कार्बन पे इस बार जो ओ OH है वो कहां पर है बेटा देखिए अपर साइड है कहां पर है अपर साइड राइट कहां पर है अपर साइड राइट right? इतना क्लियर है तो यहाँ देखिए जो एपीमेरिक कार्बन है उस एपीमेरिक कार्बन पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो अपर साइड है तो ये किसका स्ट्रक्चर है जल्दी बताइए ये किसका स्ट्रक्चर है गैलेक्टोज का किसका गैलेक्टोज का राइट right? ग्लूकोज और गैलेक्टोज में सिर्फ इतना डिफरेंस होता है कि उसके एपी कार्बन पे अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप अपर साइड प्रेजेंट है तो वो क्या होगा गैलेक्टोज लोअर साइड प्रेजेंट है तो क्या कहलाएगा ग्लूकोज बाकी सब सेम है मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम है राइट right? पक्का समझ में आया तो देखिए अगर मैं क्या बोलूं इफ ओएच ग्रोप क्या बोलूंगी इफ ओ एच ग्रोप एट फोर्थ कार्बन प्रेजेंट एट प्रेजेंट कहा अपर साइड देन शुगर इज गैलेक्टोज तो ये शुगर कौन सी हो जाएगी गैलेक्टोज और फोर्थ कार्बन को हम क्या बोलते हैं बेटा बताइए जल्दी फोर्थ कार्बन को हम बोलते हैं एपीमेरिक कार्बन फोर्थ कार्बन को हम क्या बोलते हैं एपी कार्बन कहाँ लिखा है फोर्थ कार्बन फोर्थ कार्बन को हम क्या बोलते हैं जल्दी एपी मैरिक कार्बन क्या इतना क्लियर हुआ तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका फटाफट जल्दी फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया अब हम बात करते हैं किसकी मोनोसेकर की किसकी की ठीक है तो भाई कौन कौन सी शुगर मोनोसेकर होती है बताइए जरा मोनोराइड ठीक है क्या है मोनोसेकेराइड ठीक है तो हम का मतलब है ये सबसे सिंपल शुगर है क्या है सिंपल शुगर मोनो का मतलब होता है बेटा वन ठीक है सेक्राइड का मतलब है शुगर तो इसमें सिर्फ एक ही यूनिट जुड़ी है किसकी शुगर की उस शुगर को हम क्या बोलते हैं मोनो राइट ये क्या है सिंपल शुगर है ये क्या है सिंपल शुगर है राइट right? ये क्या होते हैं सिंपल शुगर ओके okay, इतना क्लियर हुआ अब देखिए अगर मैं एग्ज़ाम्पल की बात करूं बेटा किसकी बात करूं एग्जाम्पल की तो उसमें कौन आ जाएगा ग्लूकोस आ जाएगा अभी हमने देखा ग्लूकोज़ और गैलेक्टोज़ में कोई डिफरेंस है क्या नहीं ग्लूकोज़ हो गया गैलेक्टोज़ हो गया राइट और क्या हो गया फ्रक्टोज हो गया ठीक है और क्या हो गया जल्दी बताइए और आपका क्या हो जाएगा ग्लूकोज़ फ्रक्टोज गैलेक्टोज़ राइबोज़ ठीक है राइब्यूलोज ये सारे के सारे क्या हो जाएगी बताइए मोनोसेक्राइड्स क्या हो जाएगी मोनोसेक्राइड राइट वहीं पर मैं डायसेक्राइड की बात करूँ किसकी बात करूँ डाई की जैसे कि आपको ग्लूकोज का भी स्ट्रक्चर पता है किसका स्ट्रक्चर पता है ग्लूकोज का स्ट्रक्चर पता है अब मैं बात करती हूं डाय की किसकी बात करती हूं डाय सेक्राइड बेटा डाई का मतलब क्या होता है बताइए डाई का मतलब होता है टू डाई का मतलब क्या होता है टू राइट डाई का मतलब क्या है टू और सेकेराइड का मतलब है शुगर तो यहां पर डाई सेकेराइड का मतलब है कि यहां पर क्या है दो शुगर प्रेजेंट है क्या है दो शुगर प्रेजेंट है दो शुगर कौन सी मैं बोल दूंगी टू मोनोसेक्राइड मैं क्या बोल सकती हूँ यहाँ पर डायसेक्राइड में क्या होती है दो मोनोसेक्राइड होती है क्या होती है दो मोनोसेक्राइड होती है उसे हमने क्या बोल दिया डायसेक्राइड क्या बोल दिया डायसेक्राइड तो फटाफट इसी बात पे जल्दी से सारे के सारे बच्चे वीडियो को लाइक कर दो भाई एक बात बताओ पढ़ना लिखना छोड़ दिया क्या क्या कर रहे हो पढ़ाई लिखाई कर ही नहीं रहो मैं देखती हूँ बच्चे आ ही नहीं रहे पढ़ ही नहीं रहे क्या कर रहे हो पढ़ना लिखना नहीं है क्या एलेवंथ पास नहीं करनी क्या सीधे नीट का एग्ज़ाम देना है क्या बताइए क्या चाहते हो आप बताइए मुझे इतनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए हम ठीक है और आप क्या कर रहे हो बताइए आप क्या कर रहे हो कुछ नहीं पढ़ना लिखना बिल्कुल छोड़ दिया सभी ने ये गलत बात है बेटा बहुत ऐसा नहीं होता कि आप दिसंबर जनवरी से पढ़ना स्टार्ट करोगे आपके फेब मार्च में पेपर होंगे मैम हम तो दो महीने पढ़ के ना टॉप कर लेंगे ये सब बोलने में अच्छा लगता है बट पॉसिबल नहीं हो पाता ठीक है इतना लेंदी सिलेबस है आपको भी पता है तो प्लीज डेली बेसिस पर पढ़ाई करो ये बहुत गलत बात है राइट चले तो जैसे कि हम बात करें यहां पर दो मोनोसेक्राइड, यहां पर मैं बोल दूं कि एक मोनोसेक्राइड ये हो गया ठीक है प्लस मोनोसेकराइड मिलकर किसको बनाते हैं बताइए मोनोसेक्राइड प्लस मोनोसेक्राइड मिलकर किसको बनाते हैं यहां पर मोनोसेक्राइड और मोनोसेक्राइड मिलकर बनाते हैं डायसेक्राइड को किसको बना रहे हैं डायसेक्राइड को राइट बेटा अब देखिए जैसे कि अगर मैं बात करूं तो मैंने पहली मोनोसेक्राइड ले लिया कौन सा ग्लूकोज क्या ले लिया मैंने ग्लूकोज एक मोनोसेक्राइड ले लिया मैंने ग्लूकोज ठीक है तो जैसे कि मैं बात करूं क्या है उससे पहले मैं मोलिकुलर फॉर्मूला लिखना चाहूंगी क्या लिखना चाहूंगी मोलिकुलर फॉर्मूला जैसे कि मैंने लिखा सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स ठीक है दूसरा भी है सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स ठीक है तो ये दो मोनोसेक्राइड है राइट right. जब ये दो मोनोसेक्राइड आपस में रिएक्ट करेगी ठीक है तो यहां से निकलेगा माइनस एच टू ओ पानी निकल जाएगा क्या निकल जाएगा पानी और यहां पर जो आपको शुगर मिलेगी उसमें क्या होगा बस क्या कार्बन कम हो रहा है नहीं तो कार्बन कितने होंगे ट्वेल्व हाइड्रोजन कम हो रहा है बिल्कुल कितने हो रहे हैं दो तो यहां पर ट्वेल्व टू जा ट्वेंटी फोर बट यहां पर कितने होने वाले हैं ट्वेंटी टू क्योंकि दो तो निकल गए इन द फॉर्म ऑफ वॉटर यहां पर बारह हाँ क्या हो गया ऑक्सीजन एक निकल गया तो यहां पर कितना बचा ग्यारह राइट तो ये क्या बन गई आपकी डायसेक्राइड क्या बन गई डायसेक्राइड ये मोनोसेक्राइड ये मोनोसेक्राइड वो क्या बन गया डायसेक्राइड राइट तो ऐसे ही अगर मैं बात करूं डायसेक्राइड की तो देखिए ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज दो मोनोसेक्राइड होकर मिलकर बनाती है किसको बताइए माल्टोज को तो माल्टोज जो है बेटा ये क्या है डाइसेक्राइड है क्या है डाइसेक्राइड फिर वहीं पर अगर मैं बात करूं पहली क्या है ग्लूकोज और दूसरी शुगर क्या हो गई फ्रक्टोज ठीक है फ्रक्टोज भी क्या है मोनोसेक्राइड इधर लिखा हुआ है देखिए फ्रक्टोज भी क्या है मोनोसेक्राइड तो ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज क्या बनाती है जल्दी बताइए यहां पर सुक्रोज क्या बनाती है सुक्रोज तो सुक्रोज भी क्या है बेटा जल्दी बताइए डाय सेक्राइट राइट फिर नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट क्या होगा हमारा जल्दी बताइए ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज तो ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज बनाते लेक्टोज क्या बनाते लेक्टोज तो बेटा याद रखना आपको माल्टोस हो गया सुक्रोस हो गया लेको हो गया ये सारे के सारे क्या है बताइए ये सारे के सारे आपके क्या हो जाएंगे ये हो जाएंगे आपके डायट्स क्या हो जाएंगी राइट right? इतना क्लियर हुआ या नहीं जल्दी बताइए इतना क्लियर है या नहीं तो जल्दी से इसका स्क्रीन ले लो फटाफट स्क्रीन लो इसका क्या आपने स्क्रीन ले लिया तो बेटा देखिए कैसे याद रखना है ग्लूकोज ग्लूकोज सेम है सेम है ठीक है तो सेम को हम क्या बोलेंगे यहां पर सेम जो है वो किस में है माल्टोज में है क्या है सेम जो है एम में है सेम माल्टोज में है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज मिलकर क्या बनाती है सुक्रोज और यहां पर ये तो कैसे याद रखना है जैसे कि ग्लूकोज और गैलेक्टोज यहां पर खुद लेक्टोज आ रहा है देखिए ग्लूकोज तो सब में कॉमन है ग्लूकोज तो तीनों में कॉमन है यहां पर सेम हो गया माल्टोज ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज माल्टोज ठीक है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज लेक्टोज आ रहा है तो कौन सी शुगर बन रही है लेकटोज तो एक आप याद रखते हो क्या यहां पर क्या आ रहा है देखो जल्दी बताइए ये फ्रक्टोज एंड सुक्रोज है ना तो यहां पर फ्रक्टोज एंड ग्लूकोज जो मिलके क्या बनाती है सुक्रोज सुक्रोज माल्टोज एंड लेक्टोज ये तीनों की तीनों क्या है डाइसेक्राइट्स हैं क्या है डाइसेकराइट्स राइट right? आप देखिए कैसे बनती है डाइसेकराइड्स इसका स्क्रीनशॉट ले लिया जैसे कि मैं बात करूं ये क्या है बेटा ये ग्लूकोज है क्या है ये ग्लूकोज है ना पक्का ये क्या है बेटा ग्लूकोज राइट क्या है ग्लूकोज हम नंबरिंग कर देते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स अब मेरे को बार बार नंबरिंग करने की ज़रूरत नहीं है वैसे राइट आप खुद आप समझ सकते हैं बहुत समझदार हो गए अब तो चलिए एक और शुगर बना लूँ मैं क्या बना लूँ एक और शुगर बना लूँ ऐसे के ऐसे एज इट इज बनाती हूँ राइट तो एक और शुगर बना रही हूँ मैं यहाँ पर ये बेटा दूसरी शुगर हो गई कौन सी ली मैंने ग्लूकोज ही लिए कौन सी लिए ग्लूकोज राइट फास्ट हो जाना चाहिए अब आपके हाथ ना बहुत फास्ट चलने चाहिए राइट तो यहां पर ये क्या हो गया हमारा दूसरी शुगर दैट इज ग्लूकोज ओनली राइट क्लियर है आप देखिए ये शुगर और ये शुगर आपस में पास पास आए ठीक है पास पास आए सिमिलैरिटीज़ है दोनों में क्या है सिमिलैरिटीज़ है ठीक है अब देखिए बेटा इसमें भी मैं नंबरिंग कर दूँ राइट इसमें भी नंबरिंग कर दूँ बिल्कुल कर देते हैं मैम ये पहला कार्बन ये दूसरा ये थर्ड ये फोर्थ एंड दिस वन इज फिफ्थ एंड सिक्स राइट इतना क्लियर है अब जैसे ही एक ग्लूकोज दूसरे ग्लूकोज के पास आएगा दोनों में क्या हो रहा है मिलन हो रहा है जैसे ही पास आएगा तो पहले कार्बन पहले ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन दूसरे ग्लूकोज का फोर्थ कार्बन के बीच में क्या होगी रिएक्शन क्या होगी रिएक्शन और यहाँ से निकल जाएगा पानी क्या निकल जाएगा पानी निकल गया पानी क्या निकल गया पानी ठीक है तो यहाँ पर हमने निकाल दिया पानी तो अब जो स्ट्रक्चर बनेगा वो किसका स्ट्रक्चर बनेगा डाई का किसका स्ट्रक्चर बनेगा डाय का राइट अभी स्ट्रक्चर बनाती हूँ मैं डाय का देखो बिल्कुल फटाफट जल्दबाजी में नहीं है ना जल्दबाजी में नहीं जल्दबाजी में चीज़ें क्या होती है गलत होती है जल्दबाजी में चीज़ें क्या होती है बताइए गलत होती है तो हमें गलतियां नहीं करनी है राइट बस प्रैक्टिस करना है क्या करना है प्रैक्टिस ये एच ये ओ एच ये ओ एच ये ओ एच ये एच और ये एच राइट यहाँ पर भी सीधा सिंपल हम कर देते हैं राइट यहाँ ये एच ओ एच एच, एच 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 ओ एच यहाँ पर ये ओ एच थी एच एच सी एच टू ओ एच राइट बना तो देखो बेटा यहाँ पर एच टू निकला तो सिर्फ क्या बचा इन दोनों के बीच में ऑक्सीजन बचा क्या बचा ऑक्सीजन बचा राइट right? क्या बचा? बता बचा बताइए ऑक्सीजन तो यहाँ वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स यहाँ पर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ठीक है तो देखिए ये कौन सा बॉन्ड होता है बेटा इसे हम कहते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड क्या कहते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज या बॉन्ड आप दोनों चीज बोल सकते हैं लिंकेज या बॉन्ड ठीक है तो ये क्या हो गया ग्लाइकोसिडिक लिंकेज या बॉन्ड अब गौर फरमाइए यहां पर पहले जो शुगर है उसका पहला कार्बन और दूसरे का फोर्थ कार्बन ठीक है तो यहां पर किसके बीच में बन रहा है वन फोर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है ये क्या है वन फोर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज राइट तो यहां पर बेटा ये जो स्ट्रक्चर बना ये किसका स्ट्रक्चर बना बताइए जल्दी से ये किसका स्ट्रक्चर बना ये क्या है ग्लूकोज क्या है ग्लूकोज यहां पर ये क्या है ग्लूकोज तो ग्लूकोज ग्लूकोज मिलता है और क्या रिलीज करता है माइनस एच टू ओ तो क्या बनेगी कौन सी शुगर है ये माल्टो तो शुगर कौन सी शुगर है माल्टो तो शुगर राइट ऐसे ही ग्लूकोज फ्रक्टोज के साथ कौन सी शुगर बनाएगा जल्दी बताइए ग्लूकोज फ्रक्टोज फ्रैक्टोज का स्ट्रक्चर मैंने बनवा दिया आपको ऑलरेडी राइट ग्लूकोज फ्रक्टोज के साथ करेगा तो सुक्रोज बनेगा फिर ग्लूकोज जो है गैलेक्टोज के साथ करेगा तो कौन सी शुगर बनेगी जल्दी बताइए यहां पर बनेगी आपकी लैक्टोज शुगर कौन सी शुगर बनेगी जल्दी बताइए लैक्टोज शुगर राइट तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया बताइए कि आपने स्क्रीन ले लिया है अब देखिए मैं बताती हूं आपको कुछ कुछ पॉइंट लिखवाती हूँ राइट किसके बारे में लिखवाती हूँ देखिए याद रखना रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या होती है क्या रिड्यूसिंग शुगर एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर तो दो टाइप की शुगर्स होती है पहली शुगर है ड्यूसिंग शुगर राइट दूसरी होती है नॉन रिड्यूसिंग शुगर कौन सी होती है नॉन रिड्यूजिंग शुगर राइट क्या होती है रिड्यूजिंग शुगर एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर अगर देखिए फर्स्ट कार्बन पे कौन से एनोमेरिक कार्बन पर क्या प्रेजेंट है बताइए ओ एच OH ग्रुप प्रेजेंट है और ओ के पास क्या है बताइए लोन पेयर है ऑक्सीजन के पास क्या है लोन पेयर है वो लोन पेयर किसी दूसरे के साथ बॉन्ड बना सकता है तो यहाँ पर अगर पहले कार्बन पर मतलब एनोमेरिक कार्बन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है तो वो शुगर क्या कहलाएगी रिड्यूजिंग शुगर अदरवाइज अगर ऐसा हुआ कि पहले कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं है तो वो शुगर क्या कहलाएगी नॉन रिड्यूसिंग शुगर राइट अब तो हम बात कर लेते हैं इफ ओएच है ना ग्रुप क्या है ओएच ग्रुप प्रेजेंट एट एनोमेरिक कार्बन या मैं बोलूं फर्स्ट कार्बन या मैं क्या बोल सकती हूं फर्स्ट कार्बन ठीक है देन शुगर इज रिड्यूसिंग राइट क्या है रिड्यूसिंग मतलब इसके पास क्या है रिड्यूसिंग का मतलब क्या है have ability to react with other compound hai na kyun due to availability of lone pair at oxygen right chaliye वहीं पर अगर मैं किसकी बात करूं बताइए अगर मैं बात करूं किसकी नॉन रिड्यूसिंग की तो क्या है इफ ओएच ग्रोप एबसेंट एट एनोमेरिक कार्बन एनोमेरिक कार्बन मतलब फर्स्ट कार्बन ठीक है एनोमेरिक कार्बन मतलब फर्स्ट कार्बन तो क्या कहलाएगा जल्दी बताइए तो देन शुगर देन शुगर कॉल्ड नॉन रिड्यूसिंग मतलब ये किसी के साथ क्या नहीं करेगी रिएक्ट नहीं करेगी क्या नहीं करेगी रिएक्ट नहीं करेगी क्यों नहीं करेगी ड्यू टू ड्यू टू

फर्स्ट कार्बन ठीक है फर्स्ट कार्बन तो क्या होगा यहां पर ये रिएक्ट नहीं कर पाएगी क्या नहीं कर पाएगी रिएक्ट नहीं, नहीं कर पाएगी राइट तो यहां पर क्या नहीं है बताइए ओ एच ग्रुप नहीं प्रेजेंट है तो यहां पर ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेगा नॉट शो रिएक्शन विद Other compound. Right? इतना क्लियर है इतना जल्दी बताइए तो अब हम देखते हैं कौन सी शुगर रिड्यूसिंग होती है और कौन सी शुगर नॉन रिड्यूसिंग होती है राइट right? चलिए तो देख लेते हैं अभी हमने देख लिया कि रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग का मतलब क्या है अब हम देखेंगे कि कौन सी शुगर रिड्यूसिंग है और कौन सी शुगर नॉन रिड्यूसिंग है राइट right? चलिए तो भाई देख लेते हैं हम पहले हम बात करेंगे किसकी रिड्यूसिंग शुगर की किसकी बात करेंगे रिड्यूसिंग शुगर की रिड्यूसिंग शुगर क्या होता है जल्दी बताइए एनोमेरिक कार्बन पर मतलब फर्स्ट कार्बन पर शुगर के पहले कार्बन पर क्या प्रेजेंट होना चाहिए OH ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए मतलब हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए क्यों होना चाहिए क्योंकि हाइड्रोक्सिल में कौन होता है OH है ना और O जो होता है उसके पास क्या होता है भाई बताइए जो ऑक्सीजन होता है उसके पास दो लोन पेयर होते हैं क्या होते हैं दो लोन पेयर तो वो दो लोन पेयर से क्या कर सकता है किसी दूसरे के साथ बॉन्ड बना सकता है है ना किसी दूसरे के साथ क्या कर सकता है बॉन्ड बना सकता है राइट right? तो उस शुगर को हम क्या बोलेंगे रिड्यूसिंग शुगर और अगर शुगर के पहले कार्बन पर मतलब एनोमेरिक कार्बन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं है मतलब वो शुगर कैसी हो जाएगी नॉन रिड्यूसिंग कैसी हो जाएगी नॉन रिड्यूसिंग क्यों नॉन रिड्यूसिंग हो जाएगी क्योंकि उस पर ओ एच नहीं है ओ OH एच नहीं तो ऑक्सीजन नहीं है ऑक्सीजन नहीं है तो लोन पेयर नहीं है लोन पेयर नहीं है तो कोई दूसरा एलिमेंट इस ऑक्सीजन से बॉन्ड नहीं बना सकता राइट right? इतना क्लियर हुआ या नहीं जल्दी बताइए तो हम दो प्रकार के शुगर पढ़ेंगे कौन सी रिड्यूसिंग शुगर एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर राइट right, चलिए तो आपका बेटा मैं बात करूं तो ग्लूकोज और ग्लूकोज मिलकर क्या बनाता है माल्टोस तो माल्टोस और कौन होगा बताइए लैक्टोस माल्टोस और लैक्टोस जो है ये क्या है बेटा रिड्यूसिंग शुगर है क्यों क्योंकि इनका एनोमेरिक कार्बन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है राइट वहीं पर मैं बात करूं किसकी यहाँ पर मैं बात करूँ सुक्रोज की किसकी बात करूँ सुक्रोज और कौन हो जाएगा ट्राइहेलोज बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं ट्राई हेलोज तो ये दो शुगर जो है ये क्या है बेटा ये है नॉन रिड्यूसिंग क्योंकि इनका पहला कार्बन इनका जो एनोमेरिक कार्बन है उस पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्री नहीं होता राइट अवेलेबल नहीं होता किसी दूसरे के साथ बॉन्ड बनाने के लिए राइट तो ये दोनों शुगर कैसी हो जाएगी नॉन रिड्यूसिंग। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी शुगर रिड्यूसिंग है कौन सी नॉन तो रिड्यूसिंग है, right? है, है कौन कौन सा जल्दी बताइए सुक्रोज एंड ट्री हेलोज ये दोनों ट्राई हेलोज बोलते हैं इसको ये दोनों शुगर कैसी होगी नॉन रिड्यूसिंग राइट इसके अलावा कोई भी शुगर हम क्या बोलेंगे रिड्यूसिंग शुगर है क्या है रिड्यूसिंग शुगर राइट क्लियर है चलिए तो मैं बात करती हूं किसकी किसकी बात करती हूं यहां पर मैं बात करती हूं कि जो माल्टोज है ना माल्टोज है उसमें हमने क्या देखा था वन फोर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है क्या होता है वन फोर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है ठीक है या मैं बोल दू लिंकेज क्या होता है वन फोर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज ओके यहाँ पर भी क्या होता है वन फोर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज या मैं ऐसे लिख दूँ पहले कि भाई ये इसमें दो यूनिट होती है पहली क्या होती है ग्लूकोज और ग्लूकोज क्योंकि ये डाइसेकराइड है क्या है डाई मतलब दो मोनोसेक्राइड से मिलकर बना होगा तो पहला क्या है ग्लूकोज और दूसरी मोनोसेक्राइड यूनिट क्या है ग्लूकोज राइट वहीं पर मैं लेक्टोज की बात करूं तो लेक्टोज जो है बेटा इसमें भी दो क्या है मोनोसेक्राइड यूनिट है क्योंकि ये भी एक क्या है डायसेक्राइड शुगर है तो पहली जो है वो क्या हो जाएगी ग्लूकोज और दूसरी क्या हो जाएगी देखो लेक्टोज आ रहा है तो दूसरी जो यूनिट है उसमें क्या आएगा गैलेक्टोज क्या आता है गैलेक्टोज यहां पर Lactose आ रहा है इसमें तो ये क्या हो गया गैलेक्टोज राइट right? वहीं पर मैं बात करूं सुक्रोज की तो सुक्रोज भी क्या है एक डायसेक्राइड है क्या है डायसेक्राइड तो यहां पर भी दो मोनोसेक्राइड यूनिट जुड़ी होगी कौन कौन सी ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज कौन होगी ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज ठीक है बेटा वहीं पर मैं ट्राई हेलोज की बात करूं किसकी बात करूं ट्राई हेलोज की तो ये भी क्या है एक सेक्राइड है इसमें भी कितने दो मोनोसेक्राइड यूनिट होगी पहली होगी ग्लूकोज और दूसरी भी होगी ग्लूकोज अब आपके दिमाग में कंफ्यूजन आ गया कि मैम जब दोनों यूनिट यहाँ पर भी ग्लूकोज है और यहाँ पर भी ग्लूकोज है तो ये डिफरेंट टाइप की शुगर कैसी हुई एक माल्टोज और एक ट्राई कैसी हुई बेटा यहाँ पर देखना जो माल्टोज शुगर है उसमें वन फोर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है राइट क्या होता है वन फोर ग्लाइकोसिडिक वहीं पर मैं ट्राई की बात करूँ तो उसमें वन वन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है तो यहाँ पर ये बॉन्ड जो है इस स्ट्रक्चर को चेंज कर देते हैं जिसकी वजह से आपको दो डिफरेंट शुगर मिल रही है राइट इतना क्लियर हुआ चलिए भाई तो हम बनाते हैं किसका माल्टोज का स्ट्रक्चर किसका स्ट्रक्चर बनाते हैं माल्टोज का स्ट्रक्चर तो यहां पर मैं बात करूं माल्टोज की तो माल्टोज में कौन से बॉन्डिंग होती है वन फोर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या होता है वन फोर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज वन फोर ग्लाइको सिडिक लिंकेज राइट right. वहीं पर मैं बात करूं किसकी लेक्टोज की तो लेक्टोज में भी क्या होता है वन फोर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या होता है वन फोर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बेटा इसी से समझ में आ रहा होगा आपको देखिए कि मैम ये रिड्यूसिंग क्यों है और ये नॉन रिड्यूसिंग क्यों है देखिए आप यहां वन फोर है मतलब एक का इस ग्लूकोज का पहला कार्बन और इस ग्लूकोज का फोर्थ कार्बन पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उनमें उनके बीच में क्या बन रही है बॉन्डिंग हो रही है ठीक है मतलब इस ग्लूकोस का पहला कार्बन फ्री होगा मतलब उस पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा तभी तो ये रिड्यूसिंग कहला रही है कुछ समझ में आया कि नहीं तो बताइए वन फोर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज का मतलब क्या है वो ग्लूकोस और ग्लूकोस के बीच में बन रहा है कैसे इस ग्लूकोस का पहले कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होगा इस ग्लूकोस के फोर्थ कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होगा तो इस के पहले कार्बन और इस के फोर्थ कार्बन के हाइड्रोक्सिल निकला? निकला. बॉन्ड क्लियर है अब इस ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन फ्री होगा वो उसके अपोजिट साइड होगा राइट जैसे कि मैं बात करूं अभी बनाऊंगी तो वो अपोजिट साइड होगा मतलब उस कार्बन पे पहले कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होगा इसी वजह से ये शुगर कैसी कहला रही है रिड्यूसिंग राइट वहीं पर मैं बात कर रही थी कि ग्लूकोज और गैलेक्टोज में क्या डिफरेंट है क्या डिफरेंस है बस इतना सा डिफरेंस है कि ग्लूकोज का जो फोर्थ कार्बन है उस पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो होता है वो नीचे साइड होता है लोअर साइड होता है वहीं पर अगर ग्लूकोज में वो फोर्थ कार्बन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप अपर साइड हो जाए तो वो क्या कहलाएगा गैलेक्टोज कहलाएगी कौन सी शुगर कहलाएगी गैलेक्टोज इतना क्लियर है पक्का तो यहां पर इस गैलेक्टोज का भी इस ग्लूकोज का पहला कार्बन तो बिजी हो गया राइट right? इस ग्लूकोर का फोर्थ कार्बन बिजी हो गया गैलेक्टोज का बट पहला कार्बन तो फ्री होगा और उस पहले कार्बन पे क्या प्रेजेंट होगा हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या प्रेजेंट होगा हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसलिए यहां पर भी क्या है ये रिड्यूसिंग शुगर है राइट right? फिर मैं बात करती हूँ किसकी सुक्रोज की किसकी बात करती हूँ सुक्रेज की तो यहाँ पर सुक्रोज जो है बेटा सुक्रेज जो है वो एंजाइम होता है इन्वर्टेज भी बोलते हैं जो कि सुक्रोज को डाइजेस्ट करता है राइट बट सुक्रेज एंजाइम है और सुक्रोज जो है शुगर है तो सुक्रेज एंजाइम जो होता है वो सुक्रोज शुगर को डाइजेस्ट करता है राइट इतना क्लियर हुआ तो देखिए मैं बात करती हूं यहां पर कौन सा बॉन्ड होता है 1 2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बेटा देखिए लिंकेज सेम होगा कौन सा होगा ग्लाइको क्योंकि ये किसके बीच में बन रहा है शुगर के बीच में बन रहा है राइट right? बस डिफरेंस क्या आ रहा है यहां पर वन टू है क्या है वन टू है और यहां पर क्या है वन फोर क्योंकि वन और फोर के बीच में बन रहा है यहां पर भी वन फोर क्योंकि वन फोर के बीच में बन रहा है राइट right? यहां पर बेटा जो बॉन्डिंग होती है वो क्या होती है वन वन ग्लाइको सिडिक लिंकेज आप बहुत से बच्चों के मन में एक डाउट आ रहा होगा कौन सा डाउट आ रहा होगा कि मैम यहाँ पर तो समझ में आ गया कि पहले कहले कार्बन के बीच में क्या हो रही है बॉन्डिंग हो रही है तो दोनों जो शुगर है ग्लूकोज ग्लूकोज है उनके फर्स्ट कार्बन मतलब एनोमेरिक कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्री नहीं है इसलिए ये शुगर कैसी कहला रही है नॉन रिड्यूसिंग बट मैम यहाँ पर आप देखो जरा आपने गलत लिखा है या आपने गलत पढ़ाया है यहाँ पर इस ग्लूकोज का पहला कार्बन में बॉन्डिंग है इस फ्रक्टोज के दूसरे कार्बन में बॉन्डिंग है मतलब इस फ्रक्टोज का पहला कार्बन तो फ्री है उस पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप तो फ्री है फिर आप ऐसे क्यों बोल रहे हो है ना यही डाउट आ रहा है आपके मन में बताइए यही डाउट आ रहा है तो बेटा मैं आपको क्या बोलूंगी कि ऐसा नहीं है क्यों क्योंकि जब सेकंड कार्बन के साथ यहाँ पर बॉन्डिंग होती है तो यहां पर क्या होता है कि बॉन्डिंग इधर हो गई तो ये बीच में आ गया ना तो क्या कोई घुस के बीच में आ जाएगा नहीं ना अगर इस साइड होता हाइड्रोक्सिल ग्रुप या इस साइड होता तभी तो बॉन्डिंग होती बीच में कैसे बॉन्डिंग होगी मैं खुद बोल रही हूं कि यहां पर क्या प्रेजेंट होता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है ठीक है बट वो क्या है बीच में है इसलिए यहां पर बॉन्डिंग नहीं हो पा रही राइट क्लियर है पक्का समझ में आया तो जल्दी से स्क्रीन ले लो और मैं एक एक का स्ट्रक्चर बना के बताती हूँ आपको चलिए तो आपने स्क्रीन ले लिया पक्का पक्का चलिए तो हम पहले माल्टोस का स्ट्रक्चर बनाते हैं स्ट्रक्चर बनाते हैं माल्टोज का तो माल्टोज का स्ट्रक्चर में हमें क्या देखना पड़ेगा कि भाई माल्टोज जो है वो दो यूनिट से मिलकर बनता है दो मोनोसेक्राइड से मिलकर बनता है पहली मोनोसेक्राइड जो है वो क्या है पहली मोनोसेक्राइड है ग्लूकोज और दूसरी है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से मिलकर क्या बन रहा है माल्टोज ठीक है बिल्कुल समझ में आ गया मैम तो आप स्ट्रक्चर भी बना के बता दीजिए हम इतनी टाइम से स्ट्रक्चर ही तो बना रहे हैं ठीक है या आप इस साइड लिख सकते हैं ओ OH एच को राइट सी एच टू ओ एच राइट फिर हम क्या करेंगे भाई हम यहाँ बैलेंस ही कर दें फुलफिल ये क्या हो गया आपका ग्लूकोज क्या हो गया ग्लूकोज इस ग्लूकोज का ये कार्बन क्या कहलाएगा फर्स्ट कार्बन सेकेंड कार्बन थर्ड कार्बन फोर्थ कार्बन दिस वन इज़ फिफ्थ एंड दिस वन इज सिक्स कार्बन राइट इसलिए हम बोलते हैं कि ग्लूकोज कितने कार्बन कंपाउंड है सिक्स कार्बन कंपाउंड है राइट right? तो ये हो गया एक ग्लूकोज दूसरा ग्लूकोज भी बना लेती हूँ सेम ऐसा ही बनाती हूँ मैं तो यहाँ पर मैंने बना लिया दूसरा ग्लूकोज ये बन गया बेटा कोई परेशानी कोई दिक्कत बताइए तो यहाँ क्या हो गया ओ एच 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 ओ एच ओ एच एच यहाँ ओ एच और यहाँ पर एच और यहाँ क्या हो जाएगा आपका एच राइट क्लियर है बताइए इतना समझ में आया कि नहीं जल्दी बताइए समझ में आया देखिए तो यहाँ पर क्या हो रहा है बताइए Hmm. तो यहां पर क्या हो रहा है बताइए यहां पर क्या हुआ तो ये दो स्ट्रक्चर बने किसके ग्लूकोज के किसके स्ट्रक्चर बने ग्लूकोज के अब मैंने क्या करना है देखिए अब देखिए मुझे क्या करना है यहां पर नंबरिंग कर दो वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स राइट अब देखिए यहां पर हुआ क्या है बेटा देखिए यहाँ पर क्या हुआ है ये पहले ग्लूकोज का कौन सा कार्बन इस पहले ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन पर क्या प्रेजेंट है हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है और इस दूसरे ग्लूकोज के फोर्थ कार्बन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है और दोनों पास आए और जैसे ही दोनों पास आए तो यहाँ पर ओएच ओएच दिखा तो यहाँ से क्या निकल जाएगा इनके बीच में झगड़ा हो जाएगा और यहाँ से निकलेगा पानी माइनस एच टू ओ क्या होगा माइनस एच टू ओ और जो स्ट्रक्चर बनेगा और जो स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या बनेगा बताइए यहां पर इस प्रकार का स्ट्रक्चर बनेगा ठीक है ये यहां पर ये यह जो बना ये क्या बना ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कौन सा वन इसके पहला कार्बन इसका फोर कार्बन वन फोर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज समझ में आया बेटा इतना समझ में आया देखिए अब यहां पर थोड़ा सा गौर करिएगा ये पहला कार्बन था यहां का ओएच ग्रुप तो गया राइट right, यहाँ पर सिर्फ हाइड्रोजन बचा यहाँ पर क्या है ओ एच ये एच है ये क्या है एच ये ओ एच ये क्या है ओ एच एच और यहाँ पर क्या है एच ठीक है सेम यहाँ पर भी होगा यहाँ पर क्या बचा सिर्फ़ एच ठीक है क्या बचा एच यहाँ पर ये कौन सा था फोर्थ तो ठीक है तो बेटा यहाँ पर क्या है ये ओ OH हो गया और ये क्या हो गया एच राइट ये क्या हो गया यहाँ पर ये यह एच हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा सी अब देखिए यहाँ पर देखिए इसका पहला कार्बन तो बिजी हो गया इसका पहला कार्बन पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप था वो तो बिजी हो गया उसने तो बॉन्डिंग शो कर दी राइट right? क्या कर दी बॉन्डिंग शो कर दी बट वहां पर उस वाले ग्लूकोज पे देखिए आप उस वाले ग्लूकोज पर देखिए क्या दिख रहा है आपको कि मैम इसका पहला नंबर तो ये है सेकंड ये है थर्ड ये है फोर्थ ये है फिफ्थ ये है और सिक्स ये है राइट right? मतलब ये कार्बन कौन सा कार्बन कहलाएगा एनोमेरिक कार्बन और इस एनोमेरिक कार्बन पर क्या प्रेजेंट है ग्रुप क्या प्रेजेंट है हाइड्रॉक्सिल मतलब ओ एच ग्रुप प्रेजेंट एट एनोमेरिक प्रेजेंट एट एनोमेरिक कार्बन मतलब कौन सा कार्बन फर्स्ट कार्बन कौन सा कार्बन फर्स्ट कार्बन राइट इतना क्लियर है बेटा इतना क्लियर है इसलिए ये शुगर क्या कहला रही है बताइए रिड्यूसिंग शुगर कहला रही है कौन सी शुगर कहला रही है रिड्यूसिंग तो ये किसका स्ट्रक्चर है ये स्ट्रक्चर है माल्टोज का किसका स्ट्रक्चर है माल्टोज राइट तो ये किसका स्ट्रक्चर बना माल्टोज का तो जल्दी से इसका स्क्रीन ले लीजिए फटाफट स्क्रीन लीजिए क्या आपने स्क्रीन ले लिया बताइए तो अब देखिए मेरे को क्या चेंज करना है बस थोड़ा सा चेंज करना है क्या करना है थोड़ा सा चेंज यहां पर माल्टोज की जगह मुझे क्या करना है लैक्टोज क्या करना है तो मैंने कर दिया और यहां पर जो दूसरा ग्लूकोज है उसकी जगह पर मेरे को क्या करना है गैलेक्टोज क्या करना है गैलेक्टोज राइट right? और यहाँ पर ग्लूकोज और गैलेक्टोज में क्या डिफरेंस है मैम यहां पर क्या होता है फोर्थ कार्बन जो होता है उस पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऊपर साइड होता है किसमें गैलेक्टोज में तो ये मैंने कर दिया ओएच OH, राइट right? और ये क्या कर दिया एच बाकी तो सेम होता है तो ये क्या बन गया आप बताइए ये क्या बन गया गैलेक्टोज तो ये बन गया आपका गैलेक्टोज कितना इजी है ना कितना इजी अब बेटा यहां पर क्या होगी रिएक्शन होगी क्या होगी रिएक्शन और यहां से भी क्या निकलेगा माइनस एच टू ओ क्या निकलेगा माइनस एच टू ओ और यहां पर भी क्या होगा बॉन्ड बनेगा क्या बनेगा बॉन्ड बनेगा राइट right? तो यहां पर भी मैं क्या बना देती हूँ बॉन्ड बना देती हूँ यहां पर हम क्या बना देते हैं बॉन्ड बना देते हैं कैसे बनेगा बॉन्ड ये बन गया राइट right? क्या बन गया बॉन्ड बन गया तो ये जो है ये क्या है वन फोर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या है वन फोर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज राइट क्लियर है उसमें भी पहले कार्बन पे क्या प्रेजेंट है हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है मतलब ये कौन सी शुगर हो गई जल्दी बताइए लैक्टोज शुगर हो गई कौन सी शुगर हो गई लैक्टोज तो ये हमने बना लिया लैक्टोज ना बेटा आपको ऐसा नहीं करना है ठीक है आपको प्रॉपर बनाना है फिर से ठीक है चलिए तो जल्दी से बना लीजिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया कोई दिक्कत परेशानी कहीं बताइए कोई दिक्कत या परेशानी कहीं पर बताइए तो I hope इतना तो आपको समझ में आ गया होगा अब हम चलते हैं किसकी तरफ नॉन रिड्यूसिंग शुगर की तरफ और पहली नॉन रिड्यूसिंग शुगर है हमारी सुक्रोज कौन सी है सुक्रोज। तो हम चलते हैं सुक्रोज की तरफ उससे बात करके आते हैं कि वो क्या बोलना चाहती है हमें है ना तो उसकी बातें भी तो सुननी जरूरी है तो सुक्रोज बोल रही है कि मैं क्या हूँ डायसेक्राइड शुगर हूं क्या हूँ मैं डाई सेक्राइड का मतलब टू सेक्राइड का मतलब शुगर तो यहां पर ये जो डाई सेक्राइड है किससे मिलकर बनी हुई है पहला इसमें मोनोसेक्राइड यूनिट ग्लूकोज होती है और दूसरी मोनोसेक्राइड यूनिट जो है वो क्या होती है बेटा फ्रक्टोज क्या होती है फ्रक्टोज राइट क्या होती है पहली ग्लूकोज और दूसरी क्या होती है फ्लक्टोज क्या होती है फ्रक्टोज इतना क्लियर है तो अब मुझे क्या चेंजेस करने हैं क्या चेंजेस करने इसको हटाना पड़ेगा क्योंकि ये तो गैलेक्टोज है क्या है गैलेक्टोज है तो यहाँ पर मेरे को क्या करना है देखिए अभी हम देख लेते हैं सारा ये सारा हटा देती हूं मैं अब देखिए मैंने क्या किया ग्लूकोज रखी दूसरी कौन सी यूनिट है फ्रक्टोज़ कौन सी है फ्रक्टोज़ और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सुक्रोज जो है उसमें कौन सा बॉन्ड होता है वन टू ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कौन सा होता है जल्दी बताइए वन टू ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इतना क्लियर है या नहीं जल्दी बताइए इतना क्लियर है या नहीं कोई परेशानी कोई दिक्कत बताइए तो देखिए हम ग्लूकोज तो काफ़ी टाइम से बना रहे हैं अब हम बनाएंगे फ्रक्टोज को किसको बनाएंगे फ्रक्टोज को फ्रक्टोज बेटा जो है वो क्या है कीटो शुगर है क्या है कीटो शुगर राइट तो फ्रक्टोज जो है वो आपकी कीटो शुगर होती है है ना कौन सी होती है फ्योरेनोज या पायरेनोज ये फ्योरेनोज होती है क्योंकि ये फाइव मेंबर ड्रिंक होती है कितने मेंबर ड्रिंक होती है फाइव मेंबर ड्रिंक तो हम बना देते हैं यहाँ पर फाइव मेंबर ड्रिंक ठीक है तो यहाँ पर प्रेजेंट है सी एच टू ओ एच ओके यहाँ पर क्या प्रेजेंट है बेटा ओ OH, एच ठीक है यहाँ पर भी प्रेजेंट है सी एच टू ओ एच ठीक है क्या प्रेजेंट है सी एच टू ओ एच सिक्स कार्बन कंपाउंड है फ्रक्टोज सिक्स कार्बन कंपाउंड है ठीक है बट कैसी शुगर है कीटो शुगर है कैसी शुगर है कीटो शुगर है मैंने क्या बनवाया था इसका फिशर प्रोजेक्शन बनाया था ये हम हावअर्थ बना रहे हैं राइट? तो यहां पर कार्बन से एक सी एच टू एक CH2OH ऊपर निकला है और यहां पर आपका कौन सा कार्बन ये कौन सा सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ फिफ्थ से एक निकला हुआ है सी टू ओ एच ठीक है तो देखिए ये कार्बन जो है हमारा कौन सा कहलाएगा फर्स्ट कार्बन ये सेकेंड कार्बन ये थर्ड कार्बन ये फोर्थ कार्बन फिफ्थ एंड दिस वन इज सिक्स कार्बन राइट इतना क्लियर हुआ जल्दी बताइए इतना क्लियर हुआ अब हम इसकी बैलेंसी फुलफिल कर देते हैं तो यहाँ पर प्रेजेंट होता है ओ एच OH, यहाँ पर ओ एच एच ठीक है क्लियर है एच ओ एच और यहाँ पर भी क्या प्रेजेंट होता है ओ एच राइट तो कितने ओ एच हो गए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एक ज़्यादा हो गया ठीक है यहाँ पर क्या हो जाएगा एच इतना क्लियर है या नहीं जल्दी बताइए कैसे मैम आपने कैसे देखा वन टू थ्री फोर फाइव और ये एक ऑक्सीजन है तो तो टोटल सिक्स होते हैं तो यहाँ पर हमने ये बना लिया स्ट्रक्चर अब देखिए यहां पर मैंने बोला था कि यहाँ पर जो बॉन्डिंग होती है ग्लूकोस और फ्रक्टोज में वो कौन सी होती है वन टू वन टू ग्लाइकोसिडिक बॉन्डिंग तो ये सेकेंड कार्बन है इस सेकेंड कार्बन का हाइड्रोक्सिल ग्रुप ये है और इस ग्लूकोज का ये फर्स्ट कार्बन है तो यहाँ पर देखिए बेटा क्या होता है इन दोनों के बीच में रिएक्शन होता है और यहाँ से निकलता है वाटर, तो यहाँ से निकल गया माइनस एच टू निकल गया समझ में आया तो देखिए अब क्या हुआ यहाँ से माइनस एच टू निकल गया अब यहाँ पर क्या हो गया बॉन्डिंग बन गई क्या बन गई बॉन्डिंग बन गई मैं बॉन्डिंग बना देती हूँ ठीक है तो ये हमारी कौन सी शुगर हो गई बताइए ये हो गई हमारी यहाँ पर प्रेजेंट है सी एच टू ओ एच राइट यहाँ पर क्या प्रेजेंट है सी एच टू ओ एच ठीक है और बाकी यहाँ पर क्या प्रेजेंट है ये प्रेजेंट है ओ एच एच ओ एच एच और ये edge, right? Clear है, पक्का समझ में आया यहां पर आपको तो देखिए यहां पर जो बॉन्ड बन रहा है वो किसके बीच में बना बेटा बताइए इसका पहला कार्बन और इसका ये कौन सा हो गया वन ये टू थ्री फोर फाइव और सिक्स तो पहले कार्बन और फ्रक्टोस के सेकेंड कार्बन के बीच में क्या बना बताइए यहाँ पर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड अब आपके मन में आ रहा होगा मैम पहले कार्बन पे तो ओ एच ग्रुप प्रेजेंट है तो मैम ये तो एनोमेरिक होना है ये तो एनोमेरिक कार्बन कहलाता है मतलब यहाँ पर ओ एच ग्रुप प्रेजेंट है मतलब ये शुगर तो कैसी कहलाएगी रिड्यूसिंग शुगर बेटा अब एक बात बताओ ये स्ट्रक्चर ऐसा मैं बना रही हूँ कितना ऐसा होता है फैला फैला कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होता है ठीक है क्या है कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है ये इस तरीके से मैं आपको प्रोजेक्शन बना रही हूं क्या ये इस तरीके से है ये अंदर होगा ये स्ट्रक्चर जो है सीएसटू ओ एच ये अंदर की तरफ होगा तो कोई दूसरा एलिमेंट आके इससे रिएक्शन कर सकता है बीच में घुस सकता है नहीं या तो वो इस तरी, इस तरफ से आता या तो उस तरफ से आता अगर ये पहला कार्बन होता राइट तो बिल्कुल पर क्या हो जाता बताइए रिएक्शन हो जाता या इस तरफ होता तो रिएक्शन हो जाती बीच में कैसे घुसेगा वो क्या होगा बीच में नहीं घुस सकता तो यहां पर ये शुगर कैसे कहलाएगी जल्दी बताइए ये जो लिंकेज है ये कौन सा है वन और टू तो ये कौन सा हो गया वन टू ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है ना क्या हो गया वन टू ग्लाइकोसिडिक लिंकेज और ये शुगर कौन सी कहलाएगी सुक्रोज कौन सी शुगर कहलाएगी सुक्रोज ठीक है तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए क्या आपको समझ में आ गया अब देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले लिया अब हम दूसरी नॉन रिड्यूसिंग शुगर की बात कर रहे हैं जो कि है ट्राई कौन सी है ट्राई तो दूसरी नॉन रिड्यूसिंग शुगर है ट्राई राइट right? अब ट्राई में क्या होता है बेटा यहां पर क्या होगा दूसरा जो यूनिट है वो भी क्या होगी ग्लूकोज क्या होगी ग्लूकोज ठीक है पक्का और माल्टोज में भी तो यही था माल्टोज में भी तो यही था बट यहां पर क्या है बेटा देखिए थोड़ा सा यहां पर क्या है देखना थोड़ा सा ये जो ग्लूकोज इसी तरीके से आएगा तो उसका फोर्थ कार्बन यहां होगा यहां तरफ और फर्स्ट कार्बन यहां होगा बट यहां पर क्या होता है ट्राई में ग्लूकोज की जो सेकेंड यूनिट हो है, उसमें इन्वर्जन हो जाता है कितनी डिग्री से 180 डिग्री से तो यहाँ पर फोर्थ कार्बन आ रहा था यहाँ पर फर्स्ट कार्बन तो ये इस तरीके से शुगर घूम जाएगी इस तरीके से घूम जाएगी तो यहाँ पर फर्स्ट कार्बन आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा फोर्थ कार्बन राइट तो यहाँ पर क्या होता है बेटा इन्वर्जन होता है क्या होता है इन्वर्जन कितने डिग्री से वन डिग्री से क्या होता है 180 डिग्री से इन्वर्जन होता है इसकी वजह से क्या होता है ये पूरा स्ट्रक्चर ऐसा है और यहाँ पर फोर्थ कार्बन आना था और यहाँ पर फर्स्ट कार्बन आना था तो घूमकर इधर फर्स्ट आ जाएगा और साइड फोर्थ आ जाएगा राइट right? चलिए तो हम बना लेते हैं स्ट्रक्चर हम क्या कर लेते हैं स्ट्रक्चर बना लेते हैं तो ठीक है ये क्या हो गया इन्वर्जन के बाद का स्ट्रक्चर बना रही हूं बेटा मैं राइट right? ये इन्वर्जन के बाद का स्ट्रक्चर है ठीक है तो यहां पर बताइए ये कौन सा कार्बन हो गया बताइए ये कौन सा कार्बन है यहां पर एक मिनट एक मिनट हम्म जब ये घूम गया ठीक है तो ये कौन सा कार्बन हो गया फर्स्ट कार्बन क्या हो गया फर्स्ट कार्बन ठीक है ये क्या हो गया फर्स्ट कार्बन तो यहाँ पर ओ एच ग्रुप प्रेजेंट होगा यहाँ पर क्या होगा एच ग्रुप प्रेजेंट होगा राइट right? ऐसा ही है ना देखिए यहाँ पर क्या है एच ग्रुप और ओ एच ग्रुप यहाँ पर ये कौन सा कार्बन है सेकेंड कार्बन तो यहाँ पर ओ OH एच होगा यहाँ पर एच ग्रुप होगा यहाँ पर क्या होगा ओ OH, एच एच यहाँ पर ओ एच एच यहाँ पर क्या होगा H और ऊपर क्या होगा सी एच टू ओ एच क्योंकि ये कौन सा कार्बन है जल्दी बताइए यहाँ पर हम कर लेते हैं वन टू थ्री फोर फाइव और दिस वन इज सिक्स कार्बन राइट right? अब क्या हुआ यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर देखिए इसका पहला कार्बन और इसका इस पहले कार्बन और इस पहले कार्बन पे क्या प्रेजेंट है हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है और यहाँ पर क्या होता है बेटा इनके बीच में रिएक्शन होती है और यहाँ से निकलता है पानी क्या निकलता है पानी माइनस एच टू ओ क्या होता है माइनस एच टू ओ राइट तो यहाँ माइनस एच टू ओ निकला और यहाँ पर आपको क्या बन जाएगा वन वन क्या बन जाएगा वन वन ग्लाइकोसेडिक बॉन्ड क्या बन जाएगा वन वन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड तो ये बन गया एक मिनट हाँ तभी बोलूँ ये अजीब सा क्यों दिख रहा है ठीक है एक मिनट सॉरी सॉरी प्लीज़ थोड़ा सा करेक्शन राइट right? क्या करेक्शन है देखिए मैंने ऑक्सीजन को उस तरह बना दिया था इसलिए मैं बोलूँ ये स्ट्रक्चर अजीब सा क्यों दिख रहा है अब बना ना बहुत अजीब सा दिख रहा था मैं महबूल भाई ये हो क्या गया इसलिए थोड़ा सा मुझे एक मिनट है ना तो ये क्या हो गया आप देखिए ये क्या होगा आपका पहला कार्बन तो यहाँ पर H OH हो गया राइट ये क्या हो गया सेकेंड कार्बन तो यहाँ H OH एच यहाँ ओ H ये कौन सा हो गया आपको बताइए आपका फोर्थ कार्बन तो यहाँ OH H oh, oh. ये कौन सा हो गया फिफ्थ कार्बन तो यहां पर H और ऊपर की तरफ क्या होगा सी एच टू क्या होगा सी एच टू क्लियर है चलिए हम इसको भी नंबरिंग कर देते हैं इसको हम क्या कर देते हैं नंबरिंग वन टू थ्री फोर फाइव और सिक्स राइट right? अब देखिए यहां पर भी क्या प्रेजेंट है हाइड्रोक्सिल ग्रुप और यहां पर भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है तो क्या निकला माइनस एच टू ओ क्या निकला जल्दी बताइए माइनस एच टू ओ क्या निकला माइनस एच टू ओ क्लियर है अब देखिए बेटा अब क्या हुआ जब रिएक्शन हुई क्या हुई रिएक्शन हुई तो यहां पर क्या हुआ बॉन्डिंग बन गई कौन कौन सी बताइए ये आपकी बॉन्डिंग बन गई ठीक है। ओके okay. तो देखिए ये कौन सा कार्बन है सेकंड कार्बन थर्ड कार्बन फोर्थ कार्बन और ये फिफ्थ कार्बन और ऊपर वाला सिक्स्थ कार्बन राइट तो यहाँ पर देखिए बेटा क्या हुई है जल्दी बताइए यहाँ पर बॉन्डिंग जो हुई है पहले कार्बन और पहले कार्बन के बीच में हुई है किसके बीच में हुई है पहले कार्बन और पहले कार्बन के बीच में तो ये क्या हो जाएगी वन वन ग्लाइको लिंकेज और ये किसका स्ट्रक्चर है ट्राई का किसका स्ट्रक्चर है ट्राई का राइट right? क्लियर है जल्दी बताइए तो क्या हुआ यहाँ पर इस ग्लूकोज में क्या हुआ बेटा 180 डिग्री से इनवर्जन हुआ है इस ग्लूकोज में क्या हुआ है 180 डिग्री से क्या हुआ है इनवर्जन ठीक है घूमा है इन्वर्ट हुआ है राइट क्लियर है तो यहां पर ये स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए था बट अब ये कैसा हो गया ऐसा हो गया राइट चलिए तो जल्दी से इसका स्क्रीन ले लीजिए तो हमने चारों शुगर के स्ट्रक्चर्स बना लिए हैं किस तरीके का इनका स्ट्रक्चर होता है कौन कौन सी बॉन्डिंग होती है वो सारी बॉन्डिंग्स हमने यहाँ पर बना लिए राइट चलिए अब हम बात करते हैं इनका सोर्स क्या है भाई कहाँ से मिलती है ये शुगर राइट right? तो हम चारों शुगर के सोर्स के बारे में बात करते हैं तो पहला कौन सी शुगर थी आपकी माल्टो शुगर कौन सी शुगर थी माल्टो शुगर तो एक टेबल बना लेते हैं हम एक टेबल बना लेते हैं उस टेबल में सारा सब कुछ लिखने वाले हम चलिए तो पहली शुगर थी हमारी कौन सी शुगर राइट तो ये हमारी शुगर दूसरी शुगर होगी हमारी थर्ड कौन सी होगी सुक्रोज एंड फोर्थ जो होगी हमारी वो कौन सी होगी ट्राई राइट तो मैं माल्टोज की बात करूं किसकी बात करूं माल्टोस की तो माल्टो तो शुगर जो है बेटा ये क्या है इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है किसका स्टार्च डाइजेशन का तो आप अभी टेंथ पास करके आए राइट टेंथ पास करके आए तो आपने लाइफ प्रोसेस चैप्टर पढ़ा होगा कौन सा पढ़ा होगा लाइफ प्रोसेस और वहां पर आपने डाइजेशन पढ़ा होगा ठीक है तो आपने वहां पर स्टार्च का डाइजेशन पढ़ा होगा प्रोटीन का न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन पढ़ा होगा तो आपने यहाँ पर एक चीज पढ़ी होगी कि स्टार्च का जो थर्टी डाइजेशन है वो कहाँ पर हो जाता है बकल कैविटी में

यहां पर माल्टोस क्या है बेटा इंटरमीडिएट है क्या है इंटरमीडिएट तो यहां पर क्या है इंटरमीडिएट प्रोडक्ट ऑफ स्टार्च डाइजेशन तो जैसे कि मैं एक रिएक्शन बताऊं ठीक है क्या बताऊं एक रिएक्शन बताऊं तो स्टार्च जो होता है राइट right? स्टार्च जो है वो किसमें कन्वर्ट होता है माल्टोज में किसमें माल्टोज में ठीक है एट द एंड इसको ग्लूकोज में ही कन्वर्ट होना है बट किसमें कन्वर्ट हो रहा भी? माल्टोज में विद द हेल्प ऑफ सलाइवरी अमाइलिस सलाइवरी अमाइलिस एक एंजाइम होता है जो कि क्या करता है स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है राइट right? और कहा भाई ये शुगर और इसका सोर्स क्या है तो जब सीड का जर्मिनेशन होता है ठीक है जब सीड जर्मिनेट होता है तो वहां पर क्या होता है जो स्टार्च है वो कन्वर्ट होता है किसमें माल्टोज में ठीक माल है तो यहां पर आपको कब मिलेगा ये ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन दूसरा पॉइंट हमें लिखना है क्या ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन ठीक है वहां पर भी यही प्रोसेस होती है माल्टिंग इंडस्ट्री सुनी है जहां पर बिब्रेजेस बनाए जाती है एल्कोहल बनाए जाते हैं ठीक है थीके? तो वहां पर क्या होता है बेटा माल्टिंग इंडस्ट्रीज में कौन सी शुगर बनती है ना वहां पर कौन सी शुगर बनती है यही शुगर बनती है राइट right? क्लियर है दूसरे टाइप की जो शुगर है आपकी वो कौन सी है जल्दी बताइए लेकटो शुगर कौन सी है लेको शुगर और मैंने जैसे आपको पहले ही बता चुकी हूँ लेक्टोस किस में प्रजेंट होती है मिल्क में किस में प्रजेंट होती है मिल्क में इसलिए इसे क्या बोलते हैं मिल्क शुगर कहते हैं क्या कहते हैं मिल्क शुगर ठीक है क्योंकि ये कहाँ पर मिलती है बताइए कहाँ मिलेगी ये आपके जो मिल्क है उसमें मिलेगी राइट और दूसरा ये क्या है मेन एनर्जी सोर्स है क्या है मेन एनर्जी सोर्स है किसके लिए फॉर इन्फेंट्स इन्फेंट्स का मतलब क्या होता है बेटा इन्फेंट्स का मतलब क्या होता है जो कि एक साल से छोटे बच्चे होते हैं राइट तो उनके लिए यहां पर क्या है बेटा जो मिल्क है वही एनर्जी का सोर्स है मतलब लेक्टोज शुगर ही क्या है एनर्जी का सोर्स है राइट right? वहीं पर मैं नेक्स्ट बात करूं किसकी सुक्रोज़ की किसकी बात करूं सुक्रोज की ठीक है तो सुक्रोज जो है क्या सुक्रोज जो है ये कहाँ से मिलेगी आपको बताइए जल्दी सुक्रोज शुगर जो है इसको हम क्या बोलते हैं इन्वर्ट शुगर भी कहते हैं क्या बोलते हैं इन्वर्ट शुगर क्या कहते हैं इन्वर्ट शुगर ठीक है और क्या बोलते हैं जल्दी बताइए ये क्या है जल्दी बताइए ये जो हम बात करें कि प्लांट जो होते हैं फोटोसिंथेसिस के दौरान पर किसको बनाती है स्टार्च को बनाता है राइट बट जब वो ट्रांसपोर्टेशन करता है इस फूड का तो वो स्टार्च के फॉर्म में ट्रांसपोर्टेशन नहीं करता वो ट्रांसपोर्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज कौन से शुगर के फॉर्म में सुक्रोज के फॉर्म में क्यों मैम सुक्रोज के फॉर्म में क्यों करता है जल्दी बताइए सुक्रोज के फॉर्म में ही क्यों करता है क्योंकि सुक्रोज जो है वो कैसी शुगर है नॉन रिड्यूसिंग वो किसी से रिड्यूस नहीं करती और कैसी होती है वाटर सोल्यूबल ठीक है तो इसके वजह से नॉन uh, रिड्यूसिंग है तो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेगी पता चल रहा है कि वो ट्रांसपोर्ट हो रही है बीच में खत्म हो गई सुक्रोज तो बचा नहीं कुछ और ही बन गया तो ऐसा नहीं होना चाहिए राइट जो हम चीज़ ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं वो वहां पर वही चीज़ पहुंचनी चाहिए ना तो यहाँ पर क्योंकि सुक्रोज एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है और वाटर सोल्यूबल है राइट तो सोर्स से सिंक तक जब हमें पहुंचाना रहता है तो हम किस फॉर्म में पहुँचाते हैं सुक्रोज के फॉर्म में राइट तो पहला क्या है इन्वर्ट शुगर है इसे हम केन शुगर भी कहते हैं क्या कहते हैं केन शुगर क्यों केन शुगर कहते हैं क्योंकि ये हमें कहाँ से मिलती है जल्दी बताइए शुगर केन से और दूसरी और क्या बोलूँ इसको हम टेबल शुगर भी कहते हैं क्या कहते हैं टेबल शुगर ठीक है क्योंकि आपके घर में आप जो शुगर का यूज़ करते हो राइट जो शुगर का यूज़ करते हो ठीक है वो कौन सी शुगर है सुक्रोज शुगर है प्लीज आप वो मत बोलना कि मैम हम तो वो टेबलेट्स का यूज करते हैं हम तो बहुत ज्यादा है ना हेल्थ कॉन्शियस है तो हम ये नहीं लेते वो सुक्रोज नहीं होती राइट जो नॉर्मल शकर आप घर में यूज करते हो वो कौन सी शुगर होती है सुक्रोज कौन सी होती है सुक्रोज राइट फिर हम बात करें ये शुगर जो है क्या है मेन ट्रांसपोर्टर इन प्लांट्स ठीक है रीज़न क्या है बेटा इसका इसका रीज़न क्या है क्योंकि ये कैसी शुगर है पहला रीज़न है ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है तो ये किसी से रिएक्ट नहीं करेगी और चेंज नहीं होगी राइट तो पहला है ये नॉन रिड्यूसिंग, और दूसरा पॉइंट जो है ये क्या है वाटर सॉल्यूबल है ठीक है तो भाई सिंपल सी बात है सॉलिड को तो हम नहीं पहुंचा पाएंगे हम किस लिक्विड फॉर्म में पहुंचा पाएंगे सोल्यूशन के फॉर्म में पहुंचा पाएंगे तो ये जो सुक्रोज शुगर होती है ये वाटर सोल्यूबल होती है राइट right? तो वाटर में डिजोल्व होके क्या हो जाती है ट्रांसपोर्ट हो जाती है तो दूसरा जो पॉइंट है वो क्या है वाटर सोल्यूबल क्या है वाटर सोल्यूबल ठीक है पक्का समझ में आया जल्दी बताइए इतना समझ में आया या नहीं बताइए नेक्स्ट आपकी जो शुगर है वो कौन सी है कौन सी हो जाएगी ट्राहेल मैम इस शुगर का नाम तो सुना ही नहीं है हमने ज्यादा अभी आपने पढ़ाया वैसे हमने इसका नाम ज्यादा सुना नहीं है तो ये कहाँ मिलती है ये शुगर कहाँ होती है बेटा इंसेक्ट्स में हीमिम्फ होता है कॉकरोच में क्या प्रेजेंट होता है ब्लड नहीं होता हीमोलिम्फ होता है क्या होता है हीमोलिम्फ राइट तो वहां पर जो हीमोलिम्फ होता है उसका उसमें कौन सी शुगर पाई जाती है मोलिम्फ ऑफ इंसेक्ट्स राइट या मैं लिख सकती हूँ फाइलम ऑर्थ्रोपोडा, राइट तो यहाँ पर जो इंसेक्ट्स का हीमोलिम्फ होता है उसमें कौन सी शुगर पाई जाती है ट्री हेलोज राइट right? तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए चलिए अब हम बात करते हैं कि जो शुगर होती है इनका काम क्या होता है तो शुगर आप क्यों खाते हो बताओ शुगर क्यों खाते हो आप पहला तो एनर्जी के लिए आपको एनर्जी देती है वो क्या देती है एनर्जी राइट दूसरा स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है क्या प्रोवाइड करती है स्ट्रक्चर राइट तो हम अगर बात करें किसकी पॉलीसेक्राइड की किसकी बात करें पॉली की तो पॉलीसेक्राइड के दो काम हो गए ठीक है पॉलीसेक्राइड का क्या हो गया दो काम तो ये क्या है इसके कितने काम हो गए दो पहला काम है एनर्जी देना दूसरा काम है स्ट्रक्चर बनाना दूसरा काम क्या है स्ट्रक्चर बनाना राइट right? पहला काम है एनर्जी देना दूसरा काम है स्ट्रक्चर बनाना ठीक है तो दूसरा काम हम लिख लेते हैं क्या है स्ट्रक्चर अब इतनी टाइप की शुगर पड़ ली तो कौन सी शुगर एनर्जी देती है कौन सी शुगर स्ट्रक्चर बनाती है राइट तो मैं बात करूं स्टार्च की आप स्टार्च खाते हो राइट तो स्टार्च जो होता है बेटा क्या स्टार्च और ग्लाइकोजन के बारे में सुना है स्टोर्ड फूड है एनिमल के अंदर तो ग्लाइकोजन और स्टार्च जो है वो क्या प्रोवाइड करते हैं एनर्जी राइट वहीं पर स्ट्रक्चर कौन बनाते हैं आपने सेल वॉल सुना है प्लांट की सेल वॉल किसकी बनी होती है सेल्यूलोज हेमी सेल्यूलोज एंड प्रोटीन की राइट right? तो यहां पर सेल्यूलोज क्या कर रहा है स्ट्रक्चर बना रहा है तो सेल्यूलोज क्या है बेटा सेल्यूलोज भी क्या है पॉलीसेकेराइड है क्या है पॉलीसेकेराइड है तो so, ये क्या बना रही है स्ट्रक्चर दूसरा कौन है काइटिन काइटिन भी क्या है पॉलीसेकेराइड है होमोपॉलीमर है राइट right? और ये भी क्या करती है स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर uh, बनाती है क्या करती है स्ट्रक्चर बनाती है राइट right? क्लियर है इतना क्लियर है बताइए तो so, यहाँ पर मैं बात करूँ इन दोनों में कौन सा मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया था इन दोनों में प्रेजेंट होता है अल्फ़ा ग्लूकोज ठीक है इनमें क्या प्रेजेंट होता है अल्फ़ा ग्लूकोज और इनमें क्या प्रेजेंट होता है बीटा ग्लूकोज ठीक है क्या प्रेजेंट होता है बीटा ग्लूकोज राइट तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है बताइए क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया तो हम आगे बढ़ते हैं हम कहाँ बढ़ते है? तो देखिए ये हमारी स्लाइड हो चुकी थी अब देखिए क्या बोल रहे हैं सेल्यूलोज इज अ होमोपॉलीमर सेलुलोज क्या है होमोपोलीमर है राइट right? तो ये पॉइंट याद रखना है कि कौन होमोपोलीमर है कौन हेट्रोपॉलीमर है ठीक है सेल्युलोज क्या है होमोपोलीमर है सेल्यूलोस क्या है होमोपोलीमर नेक्स्ट पॉइंट जो है वो क्या है स्टार्च इज वेरिएंट ऑफ दिस बट प्रेजेंट एज अ स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी इन प्लांट टिश्यू राइट right? तो प्लांट टिश्यू में जो एनर्जी स्टोर होती है वो किस फॉर्म में होती है स्टार्च के फॉर्म में वहीं पर एनिमल में अगर हम बात करें तो एनर्जी किसके फॉर्म में स्टोर होती है ग्लाइकोजन के फॉर्म में किसके फॉर्म में ग्लाइकोजन के फॉर्म में प्लांट में किसके फॉर्म में होती है स्टार्च के फॉर्म में राइट right? इतना क्लियर हुआ अब आपसे पूछ लिया कि प्लांट में एनर्जी स्टोर तो होती है स्टार्च के फॉर्म में बट अगर आपसे पूछा जाए कि ट्रांसपोर्ट किस फॉर्म में होती तो आप क्या बोलोगे सुक्रोज के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट किस फॉर्म में होती है ट्रांसपोर्ट इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज बेटा इसी बात पे जल्दी से लाइक तो कर दो वीडियो को फटाफट लाइक कर दो है ना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों भाई बहनों और पड़ोसियों को वीडियो शेयर करना जिससे वो भी इस चैप्टर को काफ़ी स्ट्रॉन्ग बना सके राइट चलिए अब देखिए एनिमल की हम बात करें तो एनिमल में जो हमारे अंदर जो स्टोर्ड फूड होता है वो किस फॉर्म में होता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में किसके फॉर्म में ग्लाइकोजन के फॉर्म में राइट कहाँ स्टोर होता है लिवर में स्टोर होता है कहाँ स्टोर होता है Liver में स्टोर होता है राइट इतना क्लियर हुआ या नहीं तो so, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहला पॉइंट सेल्यूलोज होमोपॉलीमर है दूसरा पॉइंट प्लांट टिश्यू में जो स्टोर एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर होती है tuge... the서도... the right? स्टार्च sure? के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट किस फॉर्म में होती है सुक्रोज के फॉर्म में एनिमल में एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर होती है ग्लाइकोजन के फॉर्म में किसके फॉर्म में ग्लाइकोजन के फॉर्म में राइट क्लियर है तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका ओके okay? हाँ हम हाँ बिल्कुल सेलुलोज का स्ट्रक्चर बनाएंगे कैसा स्ट्रक्चर होता है सब कुछ वो देखेंगे हम हाँ। अब नेक्स्ट पॉइंट है इन्युलिन कौन इन्युलिन जो है वो पॉलीमर है किसका फ्रक्टोस का राइट right? तो इन्युलिन क्या है फ्रक्टोस का पॉलीमर है ओके okay? तो हम इन्युलिन की बात करें किसकी बात करें इन्युलिन की तो इन्युल क्या है पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज किसका पॉलीमर है फ्रक्टोज का ठीक है कहां से एक्सट्रैक्ट किया जाता है ठीक है तो इसे ऑप्टेंड किया जाता है ऑप्टेंड फ्रॉम रूट्स ऑफ दहलिया एंड एट्रिकोट ठीक है तो डेहलिया और एट्री कोट के रूट से इसको क्या किया जाता है ऑप्टेन किया जाता है और बेटा इसे यूज किया जाता है ठीक है याद रखना ये पॉइंट यूज टू मेजर जी एफ आर ठीक है जी एफ आर का मतलब क्या होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट राइट जी एफ आर का मतलब क्या होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट ठीक है तो जी एफ आर को मेजर किसकी मदद से किया जाता है इन्यूलिन की मदद से राइट ठीक है तो आर एफ टी जब होती है रीनल फंक्शनल टेस्ट जब होता है ठीक है जिसमें जी एफ आर को मेजर किया जाता है तो किसका यूज किया जाता है इन्यूलिन का ठीक है और इन्यूलिन को कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है जल्दी बताइए ग्लोमेरुलर filtration रेट ठीक है ग्लू फिल्ट्रेशन रेट ओके क्लियर है बेटा तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है इन इनपोलीसेराइड चेन से ग्लाइकोजन राइट right? तो ग्लाइकोजन क्या है ये क्या है होमोपॉलीमर है किसका बताइए होमोपॉलीमर है किसका ग्लूकोज का ठीक है तो ये क्या है होमोपॉलीमर है किसका ग्लूकोज का द राइट एंड इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एंड तो ग्लाइकोजन का जो राइट right एंड है वो कैसा है रिड्यूसिंग एंड लेफ्ट एंड जो है वो कैसा है नॉन रिड्यूसिंग राइट लेफ्ट एंड कैसा है नॉन रिड्यूसिंग राइट कैसा है आर से राइट right, आर से रिड्यूसिंग आर से राइट right, आर से रिड्यूसिंग तो ग्लाइकोजन का जो राइट right क्या है आपका राइट right, एंड uh, है वो कैसा है रिड्यूसिंग और वहीं पर जो लेफ्ट एंड है वो कैसा है नॉन रिड्यूसिंग राइट इट हैज ब्रांचेस फिगर है ग्लाइकोजन का फिगर है, है? है? है और ग्लाइकोजन के फिगर में आपको क्या देखने को मिलेगी ब्रांचिंग वो स्ट्रेट स्ट्रक्चर नहीं होता इसमें ब्रांचिंग दिख रही है आपको राइट अगर आप देखो तो ये इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है बट अगर आप इसका मैं बात करूं इसका फॉर्मूला देखो आप ठीक है इसका स्ट्रक्चर देखो तो कैसा होगा देखिए आप यहाँ पर क्या है ये क्या है एक बताइए ग्लूकोस है ठीक है और यहाँ पर ये क्या बन रहा है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड क्या हो रहा है वन फोर ग्लाइकोसेडिक बॉन्ड ठीक है तो यहाँ पर ग्लाइकोजन में वन फोर एंड वन सिक्स ग्लाइकोसेडिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है कौन कौन सा होता है बेटा वन फोर एंड वन सिक्स ग्लाइकोसेडिक बॉन्ड मैम आपने कैसे बोला ये आपको कैसे पता मेरे को पता है बट मैं आपको इसमें बता सकती हूँ कैसे मैंने बोला ठीक है तो देखिए बेटा यहाँ पर गौर करिए ये क्या हो गया ऑक्सीजन ठीक है ये कौन सा कार्बन पहला कार्बन ये सेकंड कार्बन थर्ड कार्बन फोर्थ कार्बन फिफ्थ कार्बन कैसे बोल दिया क्योंकि यहाँ पर फिफ्थ कार्बन से क्या जुड़ा रहता है सी एच टू ओ एच जुड़ा रहता है ये पता है तो मतलब ये कौन सा हो गया सिक्स कार्बन ये हो गया फर्स्ट कार्बन ये दूसरा ग्लूकोज है राइट right? ये क्या है दूसरा ग्लूकोज और ये दूसरे ग्लूकोज का कौन सा कार्बन है फोर्थ कार्बन क्या हो गया फोर्थ कार्बन तो देखिए ये पहले कार्बन और ये फोर्थ कार्बन के बीच में एक बॉन्डिंग हो गई और यहाँ पर ये ऑक्सीजन है मतलब ये इसका पहला कार्बन हुआ और इस वाली शुगर का ये सिक्स कार्बन हुआ तो पहले और सिक्स के बीच में और फर्स्ट और फोर्थ के बीच में क्या बन रही है बॉन्डिंग बन रही है इसी की वजह से इसका स्ट्रक्चर कैसा है ब्रांच स्ट्रक्चर है कैसा है ब्रांच राइट right? तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो ग्लाइकोजन जो है ये कैसा स्ट्रक्चर होता है ब्रांच होता है और उसमें वन फोर एंड वन सिक्स ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं राइट right? चले तो जल्दी से इसका स्क्रीन ले लीजिए तो हमने अभी यहाँ तक कंप्लीट किया है अभी हमारा सेलुलोज का स्ट्रक्चर स्टार्च का स्ट्रक्चर ये बचे हुए हैं वो हम पार्ट टू में करेंगे आई होप आपको इतना पार्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा राइट तो इतना पार्ट आपको अच्छे से क्लियर हुआ राइट जो बचा हुआ पार्ट है वो हम पार्ट टू में लेके जाएंगे वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलेगा तो आप हमें यूट्यूब चैनल पे तो ऑलरेडी फॉलो कर रहे होंगे ऐसा मैं सोच रही हूँ और अगर अभी तक आपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किस बात की देरी जल्दी फटाफट पहले YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए जिससे डेली बेसिस पर आपको नोटिफिकेशन मिल सके डेली बेसिस पर आप रिकॉर्डेड वीडियोज़ एंड लाइव सेशन अटेंड कर सकें इसके अलावा आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे पेज पर और हमें हमारे पेज को फॉलो करने के लिए आपको क्या करना है सिंपली गूगल पर और या क्रोम पर जाना है वहाँ टाइप करना है मैग्नेट ब्रेंस जैसे ही आप मैगनेट ब्रेंस टाइप करोगे तो आपको इस टाइप का एक पेज ओपन होगा जिसमें आपको किंडर गार्डन टू क्लास ट्वेल्थ क्लास तक की कंप्लीट कोर्स की प्ले अवेलेबल होगी स्पेशली इलेवेंथ एंड ट्वेल्थ क्लास के लिए यहाँ पर आपको स्ट्रीम वाइज प्ले लिस्ट अवेलेबल मिलेगी जैसे कि साइंस स्ट्रीम कॉमर्स स्ट्रीम ह्यूमैनिटी स्ट्रीम इन सारी स्ट्रीम की प्ले लिस्ट अलग अलग होगी सेपरेट प्लेलिस्ट मिलेगी और इस कंप्लीट कोर्स के प्लेलिस्ट में आपको हर एक चैप्टर के अंदर आपको पूरा एनसीआर की थ्योरी एडवांस थ्योरी एनसीआरटी सोल्यूशन एम सी क्यूज एम आई क्यूज वन शॉर्ट रिविजन क्विक रिविजन एंड डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलने वाले हैं जिससे आपकी स्टडी काफ़ी स्मार्ट और आपका सब्जेक्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग होने वाला है और आपका सिलेबस बिल्कुल टाइम पर ख़त्म होने वाला है इसके अलावा आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर दैट इज़ डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट कॉम और आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के थ्रू जैसे कि फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप आप अवेल कर सकते हैं ई नोट्स एनी बुक जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है तो चलते हैं मैग्नेट ब्रंस के टॉप कोर्सेज़ की तरफ उससे पहले जान लीजिए कि मैग्नेट ब्रिन्स के दो चैनल हैं हिंदी मीडियम चैनल एंड इंग्लिश मीडियम चैनल हिंदी मीडियम चैनल पे सारे कोर्सेज आपको हिंदी में अवेलेबल होंगे वहीं पर इंग्लिश मीडियम चैनल पे सारे कोर्सेज़ आपको इंग्लिश में अवेलेबल हैं अब बात आती है इन दोनों चैनल पर कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है तो यहाँ पर आपको सी बोर्ड की तैयारी कराई जाती है किसकी सी बोर्ड की क्या सिर्फ सी बी बोर्ड की तैयारी कराई जाती है क्या स्टेट बोर्ड्स की तैयारी नहीं कराई जाती है क्या स्टेट बोर्ड्स के बच्चों के लिए मैग्नेट बेंस का प्लेटफॉर्म नहीं है क्या स्टेट बोर्ड्स वाले बच्चे मैग्नेट ब्रेन से फ्री एजुकेशन नहीं ले सकते तो ऐसा बिल्कुल नहीं है क्योंकि मैग्नेट ब्रेन सी बोर्ड के साथ स्टेट बोर्ड को भी कवर करता है जैसे कि डेली बोर्ड बिहार बोर्ड यूपी बोर्ड एम बोर्ड राजस्थान बोर्ड वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स एंड स्पोकन इंग्लिश ये सारे के सारे टॉप कोर्सेस मैग्नेट ब्रेंस आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ हंड्रेड परसेंट फ्री में प्रोवाइड कराता है जी हाँ आपने सही सुना और मैंने यही कहा मैग्नेट ब्रेंस प्रोवाइड कराता है अनपेड सब्सक्रिप्शन तो जुड़े रहिए मुझसे और मैग्नेट ब्रेन से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय